हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर में। मैं आपका राजीव सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही एनर्जेटिक सेशन आज होने वाला है और जितने लोग हमारे साथ आ गए हैं आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अगर करंट अफेयर से हो तो पूरा दिन बहुत ही प्यारा जाता है, और अगर करंट अफेयर में भी अगर जो आज के न्यूज है, जो ट्रेंडिंग न्यूज है, वो अगर ऐसे हो जो कहीं ना कहीं जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। एक बार बताएंगे क्या पिक्चर और वॉइस क्लियर आ रही है। अगर पिक्चर और वॉइस क्लियर आ रही है तो बिल्कुल हम सेशन को आगे करेंगे। चलिए ओके, सेशन को हम आगे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्लासेस मेनली आपका यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल पे चलने वाला है, मगर अभी 3 दिनों के लिए मेन जो है यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो जितने भी मेन यूट्यूब चैनल पे हमसे लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए एक ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप रेगुलर ये क्लास करना चाहते हो तो आप यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास के सारे नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलना स्टार्ट हो जाए। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि करंट अफेयर का महत्व क्या होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप वन डे एग्जाम दे रहे हो तो सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर जो भी करंट अफेयर का है तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके एग्जाम में मेंस या इंटरव्यू है तो कहीं ना कहीं यहां भी इसका महत्व आपको देखने को मिलता है, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही में करंट अफेयर का एक अलग जलवा होता है। कि सर कैसे जलवा होगा, तो जलवा ऐसे होता है क्योंकि ये सारे कोर सब्जेक्ट से रिलेट होता है। कोर सब्जेक्ट की बात करें हम यहां पर तो कोर सब्जेक्ट यानी वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है करंट अफेयर, पॉलिटी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर हो सकता है। जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति चुनाव ये पॉलिटी का हिस्सा है, मगर कहीं ना कहीं अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी इस कारण से ये सुर्खियों में रहा, और यहां पे ये सुर्खियों में रहने कारण ये एक न्यूज यहां से बनता है, यानी एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरह आपका इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट अफेयर हो सकता है, एनवायरमेंट बेस्ड करंट अफेयर हो सकता है, जियोग्राफी बेस्ड करंट अफेयर हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें करंट अफेयर को आप रिलेट चाहो तो किसी से कर सकते हो, इसका खुद का एक सेगमेंट होता है यानी जो करंट इवेंट्स है। इसके अलावा भी ये कोर सब्जेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है करंट अफेयर, और हिस्ट्री की बात करें अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है करंट अफेयर। अभी जो है अगर मान लो कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल साइट्स अगर सुर्खियों में रहा तो ये करंट का इश्यू बन गया, तो कहीं ना कहीं वहां से सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर अभी जैसे कि मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 रिवोल्ट के बारे में कहा, रिवोल्ट के बारे में कहा, तो कहीं ना कहीं वो सुर्खियां बटोर लिया और यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना हो जाती है। और अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते कि सिंपल करंट के करंट, यानी कि वो आपको कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट से रिलेट करके करंट अफेयर पढ़ना होगा। अगर आप इस लेवल का पढ़ रहे हो तो समझिए आप सारे करंट अफेयर सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कोर सब्जेक्ट से रिलेट करके करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अब आप देख रहे हो दिन जो है लेबल करंट अफेयर का बढ़ता जा रहा है। करंट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिलेट करके पढ़ाए जा रहे हैं, रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, और रिलेट करके जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कतें होती है। चलिए आइए आज के ज्ञान के साथ हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप सेल्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखे हो तो अच्छी बात है, मगर हम जो सोर्स लेते हैं वो कोई एक सोर्स नहीं होता है। हो सकता है कुछ न्यूज PIB से उठाए, कुछ द हिंदू से उठाए, और कुछ द इंडियन एक्सप्रेस से, द टाइम्स ऑफ इंडिया से, या कुछ मैगजीन से, या कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट डेटा से उठाया गया है। अब इतने सारे जगहों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक दिन में 1 या 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसके लिए हम आपके लिए कहते हैं ना कि विद प्रूफ, यानी जो न्यूज आया है कौन से पेपर से ये न्यूज लिया गया है, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत न्यूज कहीं से उठा गए, कहां से लिया गया है, किस साइट से लिया गया, पूरा एविडेंस के साथ आपको पढ़ाते हैं। आपको मजा भी ज्यादा आएगा। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं आज का ज्ञान हमारा क्या है, तो आज का ज्ञान है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता या वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। अगर आपने अपनी उम्मीद खो दी है तो यकीन मानो फिर आप कभी जीत हासिल नहीं कर सकते हो। तो कुछ भी हो जाए, एनी हाउ आप अपने उम्मीद को मत खोना, अपने मनोबल को मत टूटने देना, क्योंकि अगर एक बार आपका मनोबल टूट गया कि हमसे ना हो पाएगा, यकीन मानो दुनिया का कोई भी अच्छा से अच्छा शिक्षक फिर आपको उस एग्जाम के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता है। तो कभी भी आप अपनी उम्मीद को मत खोना, यकीन मानो एक ना एक दिन आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी कोट्स के साथ हम आज सुर्खियां देखने वाले हैं, किन किन न्यूज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेहतरीन न्यूज है आज हमारे पास, और कुछ ऐसे न्यूज जो कि पिछले रह गए थे। देखो अब हम इतने सारे न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, इसके बावजूद भी 2-4 पुराने न्यूज़ हमारे रह गए। हमने आज जो है
कुछ इंटरनेशनल साइट्स देखा और इंटरनेशनल साइट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि तीन न्यूज हमारे बच गए थे जो कि लास्ट वीक के थे। अब समझ सकते हो कि तीन न्यूज हमारे रह गए, अब तीन न्यूज रह गए, अब उन न्यूज को भी हमने यहां पे कवर कर दिया, यानी एक भी न्यूज ऐसा नहीं होगा जो आपका बच जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में दो ही या चार न्यूज आते हैं, हो सकता है कभी दस न्यूज आए, कभी बारह न्यूज आए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक दिन में बीस बीस न्यूज भी आपके बनते हैं, डिपेंड होता है। अब अगर हम दस क्वेश्चन बांध लेके नहीं हमें दस करना है तो वो तो गलत बात होगी, यानी न्यूज का नंबर कभी ज्यादा कभी कम होता रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होता रहता है। हम देख पा रहे हैं हमारे साथ अमन, अभय, राजेश, प्रशांत, चैतन्य, अभिषेक, कथक, विपुल, सुमित, सौरव, प्रियंका, अनु, सभी लोग आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। चलिए, हाँ बिल्कुल चैतन्य, ये सभी सभी में काम आएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलिए ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज एक अलग लेवल का मजा आने वाला है, एक अलग लेवल का मजा आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा, कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि बिल्कुल सर जो है चीजें जो मिल रही है वो थोड़ा अलग लेवल का है। तो आज जो सुर्खियां है यानी न्यूज बुलेटिन है जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 163वां इनकम टैक्स डे मनाया गया था कुछ दिन पहले, यानी ये पुरानी न्यूज है जो हमारे बच गए थे, जो हमसे मिस हो गया था। 163वां इनकम टैक्स डे बनाया गया। अब देखो, अब सबसे पहले समझना ये न्यूज़ बुलेटिन है, इनकम टैक्स ये कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से संबंध रखता है। अब यहां इनकम टैक्स सुर्खियों में आया तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां रखना होगा। तो 163वां इनकम टैक्स डे बनाया गया, क्यों इनकम टैक्स आया था, ऐसे बहुत सारे फैक्ट हम आज इस प्रीलिम्स इस क्विज जो है करंट अफेयर में हम यहां समझने वाले हैं। इसके अलावा हिम तेंदुआ सुर्खियों में रहा, हिम तेंदुआ आपने देखा ही होगा, हिम तेंदुआ क्यों सुर्खियों में है ये भी हम यहां पे आपको बताने वाले हैं। IUCN के तीन न्यूज आपको आज देखने को मिलेंगे जिसमें आप हिम तेंदुआ देख चुके हैं। इसके अलावा जो आज सुर्खियों का विषय रहा है वो मोनार्क तितली रहा है, मोनार्क तितली भी सुर्खियों में रहा है। IUCN का ऑफिशियल वेबसाइट जब आप जाओगे तो ये तीन तगड़े वाले न्यूज थे जो कि कहीं ना कहीं मिस हो चुके थे, जिसे हमने आज कवर किया है, यानी एक भी न्यूज आपका बचेगा नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। अब स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो आप छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो क्यों सुर्खियों में है, इससे किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ये सारा चीज आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप क्विज भी करना चाहते हो तो शाम को रोजाना 6 बजे IAS PSS बाय एग्जामपुर में हमारी क्विज चलती है, जहां हम स्टेटमेंट बेस्ड और वन लाइनर दोनों ही क्विज को करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां तो हाल ही में अंटार्कटिक महासागर की स्थानिक प्रजाति अल्बाट्रस को तमिलनाडु में देखा गया है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। ये न्यूज उतना खास नहीं है मगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये जो पंछी है अल्बाट्रस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम देखा जाए तो हिंद महासागर के करीब इसका कहीं निवासी नहीं है, ये ज्यादा अंटार्कटिक एरिया में रहता है, तो क्यों यहां पे रहा, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, ये भी आज हम यहां क्लियर करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं MISP पनडुब्बी केबल प्रणाली जो कहीं ना कहीं मुंबई से जो है सिंगापुर को जोड़ने वाली, तो ये केबल प्रणाली बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं सुर्खियों में है डॉक्टर सुभोवन बंध्योपाध्याय का 26 जुलाई 2022 को निधन हो गया, ये न्यूज भी हमसे मिस हो गया था, बहुत सारे पेपर में हमने देखा पर ये न्यूज नहीं था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे डॉक्टर है जो एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। अब ये न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑबिचुरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो निधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से जिनका भी हाल ही में निधन हुआ कौन थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जिसका नाम है सबसे ज्यादा पेशेंट देखने का जिन डॉक्टर का भी निधन हुआ वो कौन है, या फिर पद्म विजेता डॉक्टर जो है पद्म विजेता बंध्योपाध्याय जी जिनका निधन हुआ वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमें लगा, इसीलिए पुराना न्यूज है पर इसे भी हमने यहां पर कवर किया है। हमने कहा ना जो भी बच गए थे लास्ट वीक में बहुत सारे ऐसे न्यूज उनको भी हमने यहां कवर किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंद्रमीत गिल सुर्खियों में रहे हैं, तो ये भी अब हमारे बीच नहीं है, तो ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के जो है ये बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स बनाए गए, तो अगर हम बात करें ये भी सुर्खियों में रहे, क्यों रहे हैं इसके बारे में हम यहां देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 भारत होस्ट करने वाला है, इसके अलावा 2024 2026 और 2027 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सवाल आपका सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि भारत कब होस्ट करेगा, ये भी पूछेगा श्रीलंका कब होस्ट करेगा, ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश कब होस्ट करेगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां भी आपके राइज हो सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फीमी कल्चर ये बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, आप यकीन मानो कि सुर्खियां जो सबसे ज्यादा बटोरता है, तो उन सुर्खियों में अगर हम बात करें आज श्रीलंका का हाल हुआ है क्यों, फिब्री कल्चर के कारण हुआ है। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान का ये क्राइसिस हाल क्यों है, बांग्लादेश का ये क्राइसिस हाल क्यों है, और तो और इंडिया के भी बहुत सारे राज्यों का ये हाल क्यों है, तो फिब्री कल्चर के कारण है। ये कल्चर होता क्या है, ये
टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज किया गया है, अभी चंद कुछ महीनों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टर्म भी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरा है। यकीन मानो आज जितने सारे करंट अफेयर आप पढ़ोगे, या तो यूनिक लेवल करंट अफेयर होगा या तो बेहतरीन करंट अफेयर होगा। शायद आप में से इनमें से कुछ करंट अफेयर आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आज आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मानव पशु संघर्ष जो बहुत ज्यादा विवादों में रहा है, आप अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखे होंगे, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आया था, इसके ऊपर लोकसभा में कुछ बातें भी कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। संसद टीवी से डायरेक्टली ये उठाया गया ये कंटेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, ये अभियान चलाया गया है, किस सरकार द्वारा चलाया गया और क्यों ये अभियान इतना इंपॉर्टेंस है और इस अभियान से हमें क्या सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें क्या सीख मिलता है, क्योंकि गंदगी देखा जाए तो गंदगी हर पोर्ट में। अब देखो आप सबसे जब आप फ्री होते हो तो कहां घूमने जाते हो, तो आप पोर्ट घूमने जाते हो, बंदरगाह घूमने जाते हो, सी बीचेस घूमने जाते हो, और ऐसे समय में अगर आप वहां जाओ और बहुत सारी गंदगी हो तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं आएगा कि कहीं भी हमें सुकून नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के अभियान जो है आपके जो है हॉलीडे को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा, और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए क्यों और इंपॉर्टेंट है वो भी हम इस न्यूज के साथ यहां जानने वाले हैं। तो जितने सारे न्यूज आपने आज देखा वो सारे न्यूज जो है आज हम डिस्कस करने वाले, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारी सारी क्लासेस यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर में होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मेन चैनल में अगर आप देख रहे हो तो मेन चैनल में मात्र 3 दिन क्लास होगी और आज ये दूसरा दिन है, यानी कल लास्ट होगा, 3 ही दिन करंट अफेयर की क्लासेस होगी। और सारी क्लासेस हमारी कहां मिलेगी, यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर, वहां पे थ्योरी हम 7 से 9 पढ़ेंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो कि सर ये क्वेश्चंस तो मजेदार है, हम इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनके क्विज कहां मिलेंगे, तो उसके लिए आपको 6 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करना होगा जो आईएसपीसीएस बाय एग्जामपुर में होता है। आई होप यहां समझ गए, ये पूरा शेड्यूल है यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर का, जहां पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग को करंट अफेयर मेरे द्वारा होता है, बाकी जितने सारे टीचर है उनकी भी क्लासेस यहां पे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जितने लोग हमारे साथ आ गए, ओके सुनाओ तो शुरू करें, तो क्या आप तैयार हैं, जल्दी से बताएंगे। मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, बहुत ही मजा आने वाला है, यकीन मानिए अगर आप करंट अफेयर के दीवाने हैं तो आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा। पहला सवाल जो है करंट अफेयर की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स से हमने ये कवर किया, आप देख सकते हो हर एक चीज एविडेंस के साथ दिया जाता है, ऐसे ही नहीं कि मतलब कि हवा हवाई वाली बातें नहीं होती है, हर एक चीज का एक एविडेंस होता है, ऐसा नहीं कि चलो हम कुछ भी पढ़ा दिए, ऐसा नहीं, हर एक चीज एविडेंस के साथ। आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, इनकम टैक्स डे 2022 व्हाई आईटी डिपार्टमेंट सेलिब्रेट 24 जुलाई एज आयकर दिवस। सबसे पहले आयकर की बात करते हैं, आयकर की बात करते हैं, आयकर हर इंसान जब कुछ अर्निंग करता है, एक लिमिटेड यानी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड एक लिमिटेड अर्निंग से जब वो ज्यादा कमाता है तो उस ज्यादा अमाउंट पे उसे कुछ टैक्स यानी कुछ चार्जेस पे करना होता है गवर्नमेंट को, यही हमारा क्या कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है, यानी आयकर, आपके आय पे लगने वाला कर ही आपका आयकर कहलाता है। और ये आयकर दिवस जो मनाया गया वो 24 जुलाई 2022 को मनाया गया और इस साल 163वां आयकर दिवस था। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसकी शुरुआत कब हुई होगी, 163वां यानी ये अंग्रेजों के समय में स्टार्ट हुआ होगा, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, ये अंग्रेजों के समय में स्टार्ट हुआ। बात करते हैं हम 1857 की क्रांति की, जब 1857 की क्रांति जहां पे हमारे जो जाबाज जो है जो लोगों ने यानी हमारे जाबाजों ने अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, यानी कड़ी टक्कर दिया था, कुछ रीजन थे जिस कारण से 1857 की लड़ाई अगर हम बात करें भारतीय हार गए, मगर इस लड़ाई में अंग्रेजों का हमने कमर तोड़ दिया था, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और इस नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने क्या किया, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए 1860 में उन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा ही हमारी संपत्ति की नुकसान हुई है और हम सारा भरपाई भारतीयों से वसूलेंगे, और इसलिए उसने आयकर स्टार्ट किया यानी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, कहा जितनी भी नुकसान हुई है युद्ध में जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाती तब तक हम सभी लोगों के अर्निंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे और यही कहलाएगा इनकम टैक्स, और यहीं से शुरुआत होता है इनकम टैक्स का। आगे आने वाले समय में इसे फिर कंटिन्यू भी कर दिया गया, तो ये आप समझे इनकम टैक्स का इतिहास कहा था। अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो शायद इनकम टैक्स भी नहीं लगता, हम और आप जो कमाते उसके ऊपर कोई और टैक्स देना पड़ता, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहां पे हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां समझ रहे हैं, क्लियर है यहां पे। अब आइए इस न्यूज को जरा देखते हैं, न्यूज क्या है हमारा, तो सुर्खियां यहां पे बहुत ज्यादा बटोरा गया है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की बात करें, इंडिया में प्रायः जितने लोग अर्निंग करते एक टैक्स स्लैब है, उस स्लैब से अगर आप ऊपर की अर्निंग कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पे सवाल टैक्स की नहीं है, सवाल यहां पे इस न्यूज से और कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला सवाल आएगा कि किस दिन मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है इनकम टैक्स दिवस।
इस साल कौन सा इनकम टैक्स दिवस था? तो 163rd इनकम टैक्स दिवस था, यानी कि 163वां इनकम टैक्स दिवस था। यहां तक तो क्लियर है। अब सवाल मन में आता है, सर ये इनकम टैक्स, ये जो कर वर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो जरा समझिएगा, अगर हम कर की बात करते हैं, अगर हम कर की बात करते हैं यानी टैक्स की बात करते हैं, तो मेनली भारत में जिस तरह के टैक्स स्ट्रक्चर है उनके हिसाब से देखिए तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टैक्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कर जिसे कहते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंसेस क्या है? जो बंदा अगर हम कमा रहे हैं और हमारे ऊपर टैक्स लगा है और हम ही को पे करना है तो ये टैक्स कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स, यानी कि अगर हमने मेरे ऊपर टैक्स लगा और हम ही को पे करना है तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगा है, हम ही को पे करना होगा, हमारे बदले क्या तुम दे दोगे? यानी अगर हम कहेंगे पूजा तुम हमारे बदले टैक्स दे दो, तो पूजा बोलेगी कि हम आपका कर्जा खाए हुए हैं, कमाओगे आप, घर बनाओगे आप, शॉपिंग करोगे आप, पैसे उड़ाओगे आप, और आपका टैक्स हम पे कर दे, यानी कहीं ना कहीं ये टैक्स हमें ही पे करना होगा क्योंकि हमने वो अर्निंग किया है। तो ऐसे सिचुएशन में वो टैक्स जो आपने कमाया और आप ही को पे करना पड़े वो डायरेक्ट टैक्स है। जस्ट लाइक इनकम टैक्स आपके कमाई के ऊपर, कोई कंपनी कमा रही है और तो कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे टाटा ने कमाई तो टाटा का पैसा रिलायंस तो नहीं भरेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। तो इस टाइप के टैक्स हमारे प्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं। और याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर को संचालित भारत में कौन करता है? सीबीडीटी करता है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी से रेगुलेट करता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर को। वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, लगा किसी और के ऊपर है, वसूला किसी और से जा रहा है। जस्ट लाइक आप मूवी देखने गए, मूवी का टिकट का दाम था 100 रुपया, आपसे वसूला गया 130 रुपए, तो जो 30 रुपए एडिशनल चार्जेस था वो उस मूवी मालिक के ऊपर लगा था, पर कहीं ना कहीं वो आपसे वसूल रहा है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे, आपका बिल बना 1000 का, वसूला जा रहा है 1200 रुपए या 1300 रुपए, जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। तो वो जो 200 या 300 जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर लगा था, पर वसूला किससे जा रहा है? आपसे। इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और के ऊपर है, वसूला किसी और से जाता है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, बेस्ट एग्जांपल इसका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसे पहले रेगुलेट किया जाता था सीबीईसी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, मगर अब इस सीबीईसी का नाम बदल के सीबीआईसी कर दिया गया है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कर दिया गया है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी टैक्स के बारे में, सारी जानकारियां यहां पे लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन ने पहली बार आयकर की शुरुआत की। पहला एक फैक्ट जो हमने आपको एग्जांपल में समझाया, ये क्यों किया गया था? क्यों 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, 1857 को हम क्या कहते हैं? 1857 रिवॉल्ट को हम क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो इसमें जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए कहीं ना कहीं पहली बार आयकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे की बात करते हैं, वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वित्त मंत्रालय के देखरेख में यहां पे दो बॉडीज की निर्माण किया गया, दो बॉडीज, और वो दो बॉडीज कौन थे? सीबीडीटी और सीबीईसी, नॉट आईसी, सीबीईसी। सीबीडीटी का मतलब क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीईसी का मतलब था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड एक्साइज एंड कस्टम। तो ये दोनों बॉडीज एस्टैब्लिश किया गया। सीबीडीटी को कहा गया तुम प्रत्यक्ष कर को देखोगे, और सीबीईसी को कहा गया तुम अप्रत्यक्ष कर को देखोगे। जीएसटी के आने से पहले अप्रत्यक्ष कर में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स ये सारे आया करते थे, मगर जब से जीएसटी आया तो ये सब कहीं ना कहीं हट चुका है। ये यहां तक सिक्वेंस चला। आगे की अगर हम बात करते हैं, सीबीईसी का नाम बदल के फिर सीबीआईसी कर दिया गया, यानी सीबीआईसी मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया गया। और उसके उस समय से लेकर अभी तक सीबीईसी को हम सीबीआईसी के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म आया है, बहुत बार इसके चेयरमैन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीडीटी जो है आपका डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है, प्रत्यक्ष कर को, सीबीआईसी अप्रत्यक्ष कर को जो है क्या करता है? संचालित करता है। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के चेयरमैन, इन दोनों के चेयरमैन। तो चेयरमैन की अगर हम बात करें, सीबीआईसी के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं विवेक जोहरी, जो आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर दिख रहे हैं। ये विवेक जोहरी अभी हाल ही फिलहाल 2022 में इन्हें बनाया गया है सीबीआईसी के चेयरमैन। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, नीचे ये कौन है? आईआरएस अधिकारी है नितिन गुप्ता, इनको सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहां पे सारा था। अब क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सीबीडीटी किसे संचालित करता है, सीबीआईसी किसे संचालित करता है, किसे रेगुलेट करता है। यहां तक हुआ। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, अभी कौन सा दिवस मनाया गया, किस दिन मनाया गया। ये इनकम टैक्स जो है
कब से शुरू किया गया है और किस लिए शुरू किया गया, मतलब समझ सकते हो एक न्यूज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो कम से कम यहां से 10 से लेकर 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप क्या करते हो, आप अभी भी वही लेवल यूज कर रहे हो जो आज से 5-6 साल पहले था, पर आप क्वेश्चन का लेवल देखते हो, क्वेश्चन अब बदल चुका है, क्वेश्चन अब कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, आप कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। आप आज भी क्या करते हो, आज भी आप इस तरह तैयारी करते हो, आपने कहा कि चलो यहाँ पे कि 24 जुलाई 2022 163वां आयकर दिवस, और आपने ऐसे करके लिख लिया कि इतना यहाँ पे लिखा 163rd इनकम टैक्स डे, बस हो गया करंट अफेयर। भाई अगर इतने में ही अगर हो जाता तो फिर ये सारे कंटेंट कहाँ गए, ये सारे कंटेंट। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट इवेंट्स या करंट फैक्ट्स, करंट अफेयर का मतलब है कि उससे संबंधित जो भी डेटा बनता है वहां से भी सवाल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी, तब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को पकड़ पाओगे, क्योंकि आज के डेट में जो भी सवाल आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। आई होप पहला न्यूज आपका क्लियर रहा होगा, हम आपके मैसेज देखना चाहते हैं। चलिए आपका अगर कोई मैसेज है तो बताएंगे। चलिए बाकी जितने लोग, अगर देखो कोई पर्सनल अगर क्वेरीज है तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा। ये क्लास रेगुलर यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल पे चलेगी, फिलहाल 3 दिनों के लिए मेन चैनल पे चल रही है। तो जितने भी मेन चैनल में देख रहे विद्यार्थी है, वो सभी लोग, वो सारे विद्यार्थियों से एक नम्र निवेदन है कि आज ही अभी ही जो है आप उस जिस मेन चैनल में, चैनल टैब में जाइएगा, चैनल टैब में आप देखेंगे 4th रैंक या 5th रैंक में यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल होगा, उस चैनल पे सब्सक्राइब करके उस चैनल से आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि रोजाना हम आपको वहीं जुड़ेंगे। करंट अफेयर आपने बहुत सारे पढ़े, पर इस लेवल का यानी करंट लेवल जो है रिलेटेड करंट अफेयर आपने बहुत कम पढ़ा होगा। आई होप यहां तक चला क्लियर है। नोट्स कैसे बनाए, अब देखो नोट्स कैसे बनाए, आप एक बात बताओ नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, हर एक फैक्ट हमने लिख दिया है। आप देखो हमने जो जो बातें कहा, हमने कहा पहला कब बनाया गया इनकम टैक्स दिवस लिखा हुआ है, कौन सा इनकम टैक्स दिवस ये भी लिखा हुआ है, किस लिए मनाया जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए मनाया जाता है, उसमें हुई कहानियों के लिए मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो किसके द्वारा ये कहीं ना कहीं लाया गया था, तो जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया था। देखो यहां पे हर एक फैक्ट तो लिख दिया गया है, हर एक फैक्ट पीपीटी में लिख दिया है, ये तो हमने अलग से समझाया था। इसके अलावा आप देख सकते हो 1963 में वित्त मंत्रालय के देखरेख में क्या बना, तो वित्त मंत्रालय के देखरेख में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 बना, और इसके तहत दो बॉडी बनाई गई, कौन कौन सा, तो सीबीडीटी और सीबीएसई। हर एक चीज तो लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखा हुआ है, तो आप अगर सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आपको हर एक फैक्ट मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों जरूरत पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा नोट्स का। हाँ अगर आप चाहते हो इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो घर में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसा शॉर्ट नोट्स क्या होता है, तो सीधा सा फैक्ट लिखेंगे और ऐसे कर करके जो होता है ना शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। सीबीएसई का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया है, इस तरह के सारे फैक्ट है, सीबीडीटी के चेयरमैन ये है, सीबीआईसी के चेयरमैन ये है, तो हर एक फैक्ट तो यहां लिखा हुआ है। तो एडिशनल मेहनत अगर आपको करने में अच्छा है तो आप कर सकते हो, नो डाउट। चलिए अगले न्यूज की ओर आते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्यारा सा न्यूज है, ये न्यूज हमने द हिंदू से कवर किया है, और द हिंदू का ये न्यूज है बहुत ही प्यारा न्यूज है। क्या है, स्टडी शेड्स लाइट ऑन प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इन हिमाचल। अगर हम बात करें यहां पे, तो बात यहां क्या कह रहा है, हाल ही में नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन में हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबेक्स और नीली भेड़ द्वारा आवास का उपयोग के बीच संबंध की प्रकाश डाला गया है। अब देखो अगर हम बात करें, जब भी ऐसे स्टडी होते हैं, इस टाइप के न्यूज आपको जल्दी पल्ले में नहीं पड़ता, इस टाइप के न्यूज से क्वेश्चन कैसे आएगा, इस टाइप के न्यूज से क्वेश्चन आएगा, अभी न्यूज में हिम तेंदुआ रहा तो अब हिम तेंदुआ के बारे में सवाल आ जाएगा। समझिएगा, जब भी ऐसे न्यूज आते हैं, स्टडी वाले न्यूज आते हैं, इनसे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपने अचानक देखा होगा कि सर हिम तेंदुआ कभी पूछ दिया, कभी जो है नीली भेड़ के बारे में पूछ दिया, कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका संरक्षण कहां पे है, इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट बनाए गए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये किस प्रकार का जीव है, IUCN में इसे कौन से कैटेगरी में रखा गया है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आइए देखते हैं अंदर इस सवाल के बारे में। तो ये आप हिम तेंदुआ देख सकते हो, अब हिम तेंदुआ इसके ऊपर यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा है। हम आपको इस क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे कि छोटे छोटे एग्जाम तो चलो पूछते ही है, यूपीएससी लेवल तक भी ये इस टाइप के सवाल पूछे हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करो चीजों को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर्म कैसे होता है, वो हल्के वाले तो सब जानते हो कि चलो नीरज चोपड़ा जी ने एक सिल्वर पदक जो है जीता और इंडिया का 33rd रैंक रहा, ये तो सिंपल वाले, वो तो न्यूज चैनल आप पेपर ही पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा होता है, मगर न्यूज को क्रिएट कैसे करोगे, इससे बाहर कैसे निकालोगे, ये मेन मोटो है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें हिम तेंदुआ के बारे में, अगर हम देखेंगे तो हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया। तो हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पैंथेरा अनकिया। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि हिम तेंदुआ जो कि सुर्खियों में रहा, तो हिम तेंदुआ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अनकिया। पहला फैक्ट आपने देखा यहां पर। चलिए
दूसरा है यहां पे हिम तेंदुआ को IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की कौन से लिस्ट में रखा गया है, तो इसे रेड लिस्ट में रखा गया है, यानी इनके पास इनकी भी एक लिस्ट होते हैं, इनके लिस्ट होते हैं। अब लिस्ट क्या है, जैसे कौन सा जीव विलुप्त हो गया है, कौन सा विलुप्त के कगार पे खड़ा है, कौन सा बहुत क्रिटिकल स्थिति पे है, तो ऐसे यहां इनका कैटेगराइज बांटा गया है जो हमने आगे आपको आपको यहां पे आगे मेंशन हम किया है। तो इनको जो है रेड लिस्ट की सूचीबद्ध किया गया है, यानी हिम तेंदुआ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन के प्रशिष्ट आई में सूचीबद्ध भी है। अब देखो यहां पे अब आपका एक क्वेश्चन बड़ा हाई लेवल का आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा ये बताइए, CITES अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध इनमें से कौन सा जानवर है, और वहां हिम तेंदुआ होगा, वहां पे बब्बर शेर होगा, वहां भालू होगा, वहां पे जो है और भी कोई जानवर का नाम होगा, और इस तरह आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहां पे याद रखिएगा हिम तेंदुआ इस सूची में सूची वन में यहां पे लिस्टेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में इसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी पूछा जाएगा बताइए हिम तेंदुआ कहां इसका उल्लेख मिलता है, वन्य जीव अभयारण्य 1972 के किस अनुसूची में मिलता है। तो याद रखिए एक क्वेश्चन यहां ये भी आएगा, अनुसूची एक में ये सूचीबद्ध मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे कुछ और फैक्ट का, इन जानवरों के शरीर के अंगों में फर, हड्डियों और मांस के अवैध व्यापार के कारण इन्हें काफी अधिक खतरा है, यानी कि आप देखते होंगे जंगली जानवरों को लोग क्या करते हैं, मार देते हैं, हंटिंग करते हैं, और उनके जो है चमड़ियों को, उनके हड्डियों को कहीं ना कहीं कालाबाजारी करते हैं। एक्चुअली देखा जाए ये इलीगल है, वन्य जीव जो है प्रोटेक्शन यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक इलीगल एक्टिविटीज है। अगर आप किसी भी जंगली जानवर का शिकार कर रहे हो या उसे मार रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब एक सवाल आपसे करते हैं, एक इंटरव्यू में पूछ दिया गया था कि वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, चलिए अगर आपके ऊपर अगर कोई जानवर हमला कर दे और उस कंडीशन में अगर आपको उस जानवर को मारना पड़ जाए तो बताइए क्या आपने नॉर्म्स तोड़ा है, क्या ये एक इलीगल है या ये एक लीगल है। तो एक चीज याद रखिएगा, आत्मरक्षा यानी स्वयं की रक्षा के लिए अगर आप किसी पर हमला करते हैं और अगले की मौत हो जाती है तो इसे इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मरक्षा में यह स्टेप उठाया है, आपने खुद को बचाने के लिए जो है एक प्रयास किया और इस प्रयास में अगला बंदा जो था वो मारा गया, चाहे वो इंसानों के ऊपर हो चाहे वो जानवरों के ऊपर हो। तो ये पर आपको प्रूफ करना होगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, क्योंकि कोर्ट भी क्या पूछता है, एविडेंस मांगता है कि कैसे आपने सेल्फ डिफेंस में अगले पे वॉर किया। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट किसी का नहीं होगा। चलिए ओके, पीडीएफ के बारे में क्लास के लास्ट में बता देंगे पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, पीडीएफ के लिए टेंशन ना लिया कीजिए, आप लोग अक्सर पीडीएफ करते रहते हो, पीडीएफ के लिए टेंशन मत लिया कीजिए। चलिए ठीक है यहां तक, हेलो ओके सुनाओ आगे चले, चलिए बहुत खूब बहुत खूब। तो अगला फैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हिमालय संरक्षण, यह अक्टूबर 2020 में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक सामूहिक स्वयंसेवक कार्यक्रम था। क्वेश्चन आएगा बताइए हिम तेंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आपको बता दें हिमालयन संरक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 में स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट पर फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया था, जिसकी आबादी निगरानी के लिए बहुत उपयोगी है। और तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं हिम तेंदुआ परियोजना जो 2009 में हिम तेंदुआ और उनके निवास स्थान में संरक्षण के लिए बनाया गया था। ये जितने सारे हिम तेंदुआ के ऊपर प्रोटेक्शन फैक्ट है जो आप देख सकते हो, और साथ ही साथ हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कहां स्टार्ट हुआ था, तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था। तो हिम तेंदुआ के ऊपर जितने भी फैक्ट आएंगे, करंट हो या स्टैटिक हो, कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे। और याद रखिए आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो करंट प्लस स्टैटिक आते हैं, करंट प्लस स्टैटिक आते हैं, या तो फिर करंट प्लस कोर आता है, करंट प्लस कोर आता है। रेयर केस में ही आप देखोगे, रेयर केस में ही आप देखोगे सिर्फ ओनली करंट से क्वेश्चंस आते हैं, ओनली करंट यानी कि करंट इवेंट से क्वेश्चंस रेयर केस में आता है। करंट का सीधा संपर्क आपको कहीं ना कहीं स्टैटिक से या कोर से आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ पे दूसरा न्यूज भी आपका क्लियर रहा होगा। हिम तेंदुआ जो कि सुर्खियों में रहा, इसके ऊपर किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके क्लियर रहे होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए चलेंगे आगे, तो एक बार बताएंगे यहां तक क्लियर है। अच्छा मैम की बैकग्राउंड आ रही है, चलो हम बंद कर देते हैं, आवाज अब नहीं आएगी। चलिए अब किसी का आवाज नहीं आएगा, ठीक है क्लियर है, अब किसी का आवाज नहीं आएगा। ओके सुनाओ, अब तो क्लियर है ना।
अब तो क्लियर है। बाकी एक चीज आप नहीं करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए ओके सुनाओ सुनाओ। चलिए सर कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, चलो एक बार हम उसे देख लेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स पे आप एक बार लिख देना, ठीक है, हमारे टीम जो है आपको देख लेगी। अब देखो ये 2012 के यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, आप समझ सकते हो यूपीएससी में आया हुआ सवाल था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, ये चार फैक्ट है। 2012 के अनुसार इसका क्या राइट आंसर होता है वो भी हम आपको बताएंगे। 2012 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, उपयुक्त में से कौन से स्वाभाविक रूप से, समझ स्वाभाविक, देखो चीजों को समझो, यूपीएससी लेवल जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही उठा के नहीं पूछ देता, ठीक है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात करें। स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं, तो ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी या हिम तेंदुआ, तो आपके मन में ये आएगा। अब 2012 के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रहे हैं, अभी तो इसका आंसर बदल चुका है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 2012 के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, 2012 के अनुसार अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ब्लैक नेक क्रेन, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, ये तीनों ही आमतौर पर भारत में पाए जाते थे, और भारत में विलुप्त कैटेगरी में चीता आ चुका था, यानी चीता जो विलुप्त कैटेगरी में आ चुका था, और यही कारण है कि इसका राइट आंसर क्या होता, ना कि 1 2 3 4 होता, 1 3 और 4 होता, और 1 3 4 इज मींस बी इज द राइट आंसर। अगर इस सवाल 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अभी तो और भी बहुत सारे जो विलुप्त कैटेगरी में आ चुका है, आपको बता दें बहुत कम ही लोग उड़न गिलहरी भी देखते हैं, उड़न गिलहरी भी होता है, तो आप देख सकते हो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इस सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन है, IUCN के से लिया गया ये क्वेश्चन है, और अक्सर IUCN से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चन यहां से हर साल आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं, IUCN से एक क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पे चीता जो भारत में विलुप्त प्रजाति हो चुका है इसके बारे में, और इसी कारण से यह प्राय अब नहीं मिलता है, नहीं देखता है, आप जिसे तो वो तेंदुआ होता है। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला न्यूज हमने जो यहां पे लिया है वो भी IUCN से ही है, और वो क्या है तो आप देख सकते हैं IUCN के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये न्यूज को कलेक्ट किया है, IUCN का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई नाउ इंगेज्ड जो है इन जो है IUCN रेड लिस्ट, यानी कि IUCN के रेड लिस्ट में आप देख सकते हैं मोनार्क बटरफ्लाई को भी अब रख दिया गया है। हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अब जरा देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या सवाल हमारा बन सकता है। तो अगर हम बात करें इसके ऊपर जो सवाल अगर हम जो बनेगा वो जरा देख लेते हैं। तो ये मोनार्क तितली है, शायद आपने लगा होगा, आपको लगता होगा सर ये तितली तो हमारे बगीचे में बहुत बार हम इसे उड़ते हुए देखे, जो आप हमारे पीछे जो तितलियों को देख पा रहे हैं आपको लग रहा होगा सर ऐसे तितलियां तो हमने बहुत अपने बाग बगीचे में उड़ते हुए हमने देखा है। खैर अगर आपने उड़ते हुए देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी देखे तो आप देख सकते हो कि ये किस तितली की बात हो रही है। ये जो हमारे पीछे आपको बहुत सारी तितलियां नजर आ रही है, बटरफ्लाई नजर आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये अब लुप्त प्राय पे आप आ चुका है, रेड लिस्ट में इनको रख दिया गया है। तो सबसे पहले हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इसे रेड लिस्ट पे रखा है, यानी रेड लिस्ट यानी अब लुप्त प्राय पे ये अब हो चुका है, लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया, अब ये बहुत कम मात्रा में अब देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहां पे आता है कि यह डेनोस जो है फ्लेक्सिपस तितली की एक उप प्रजाति है, तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि जो मोनार्क तितली है वो किसकी एक उप प्रजाति है, तो इसकी एक उप प्रजाति है डेनोस फ्लेक्सिपस की एक उप प्रजाति है, जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है, और मतलब वो आपस में अमरीका में ही जो 4000 किलोमीटर की अगर हम बात करें इसी में वो जब घूमते रहती है, और ये इनकी संख्या भारत में भी अक्सर प्राय ये देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमरीका में, भारत में भी इसको देखा गया, देखो यहां भी है इस प्रजाति कि कुछ तितलियां भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है, जो यहां पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। अब सवाल ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि पिछले कुछ दशकों की बात करें महाद्वीप में इनकी आबादी में लगभग 23% से लेकर 72% की गिरावट हुई है। अगर किसी प्रजाति की अगर हम बात करें में 23 से लेकर 72% की गिरावट होना, यानी कि यह प्रजाति कहीं ना कहीं किसी कारणों से मर रहा है। अब रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर ये तितलियां मर रही, यानी कि अगर हम बात करें फूल, अब उस तरह के फूल नहीं हो पा रहे हम जो भी, क्योंकि ये तितलियां कैसे, अगर ये सर्वाइव कैसे करती है, फूलों से ही सर्वाइव करती है, या तो हो सकता है कि जो फूल अब उगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल का यूज किया जा रहा है जिनसे कि अब इनकी जान, इनकी ये जो है इनके लिए हानिकारक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है। तो बार बार आने वाले तूफान हो सकते हैं, जो बार बार तूफान आता है जिस कारण से
ये इनकी संख्या घट रही है, या अधिक तीव्र से सूखे स्थिति होना, जैसे बहुत ज्यादा सूखे की स्थिति है जिस कारण से फूलों के चक्र को बाधित करता है, जो फूलों का सीजन है वो नहीं आ पा रहा है, और यही कारण है कि ये इनकी संख्या में भारी गिरावट हुआ, यानी लगभग 3/4 तक जो है इनकी संख्या घट चुकी है जो पहले था। चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब बार बार यहां हम IUCN का जिक्र कर रहे हैं कि सर ये IUCN क्या है ये भी बता दीजिए, क्योंकि लगातार दो तीन क्वेश्चन आपने IUCN के ऊपर देखा। तो IUCN की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यह दुनिया भर में जितने भी प्रजाति है इनको कहीं ना कहीं एक कैटेगराइज करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको कैटेगराइज करने का काम है कि यह प्रजाति अब विलुप्त कगार पे है कि कौन सा किस कगार पे, यह कैटेगराइज डिसाइड करता है, यानी कैटेगरी डिसाइड करता है, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ इसकी स्थापना की बात करते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, और इसका मुख्यालय की बात करें ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और इसे बनाने वाले शख्स जिसका नाम था जूलियन हक्सले, तो इन्होंने ही इसे इसका निर्माण किया था, यह बात याद रखिएगा। और इसकी सदस्यता लगभग 140 देश आज इसके सदस्य है, भारत भी उन्हीं में से एक है, और 140 तो इसके सदस्य देश है। इसके अलावा आपको बता दें 1000 से भी अधिक संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी इसके मेंबर्स है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बहुत ही बड़ा लेवल का ये कहीं ना कहीं अपना जो है छाप बना चुका है IUCN की बात करें, यानी अब इसके द्वारा जारी रिपोर्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी रिपोर्ट जारी करता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा होता है। अब सवाल आता है कि सर ये किस किस टाइप के कैटेगरीज यहां डिसाइड करते हैं, तो देखो कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं एनी, ये चीज याद रखिएगा, एनी कैटेगरी से स्टार्ट होता है एनी, ठीक है, एनी कैटेगरी से स्टार्ट होता है, एनी कैटेगरी से, और ई एक्स कैटेगरी तक होता है ई एक्स, ये अलग अलग लेवल के कैटेगरीज आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां तक जो कैटेगरीज है वो सेफ जोन माना जाता है, वो क्या माना जाता है, सेफ जोन माना जाता है, ठीक है जो है, और इसके बाद के जो कैटेगरीज है वो बिल्कुल अनसेफ माना जाता है, यानी किसी भी प्रजाति का अगर किसी को अगर ई एक्स कैटेगरीज दे दिया गया मतलब आप समझो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसे अगर हम ई एक्स की बात करें, किसी को ई एक्स कैटेगरी अगर दे दिया यानी एक्सटिंक्स, यानी कि अब वो पूरी तरह से खत्म है, विलुप्त हो चुका है, अब वो प्रजाति है ही नहीं हमारे बीच। उसी तरह अगर हम किसी को अगर सीआर कैटेगरी मिला है मतलब गंभीर रूप से ये लुप्त प्राय में है, यानी कि अब ये जो है धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है, तो इनको संरक्षण करो। तो प्रोटेक्शन क्यों किया जा रहा है, आप कभी सोचे हो कि हम इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं, एलिफेंट रिजर्व बनाते हैं, और भी बहुत सारे रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व बनाने के पीछे रीजन है कि इनके डेटा जब आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय कर देता है कि आने वाले कुछ सालों में आप इस जानवर को इस जगह से बिल्कुल साफ पाओगे, यानी कि हो सकता है अगर आप इनका प्रोटेक्शन नहीं किए तो ये जानवर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों में देख पाओगे या चिड़ियाघर में देख पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ अलग अलग कैटेगराइज डिसाइड करता है। तो आई होप इससे संबंधित जितने सारे सवाल थे आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ यहाँ पे स्पीसीज है जिनको किस कैटेगरी में रखा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर हम बात करें, ये बहुत ही अगर हम बात करिए अभी न्यूज में भी रहा था, तो ये न्यूज में भी रहा था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की बात करें, ये क्रिटिकली एंगेज्ड में रखा गया है सी कैटेगरी में। मस्क डियर को ई में रखा गया है, रेड पांडा को भी ई में रखा गया है, एशियाटिक वाइल्ड एस, कश्मीरी स्टैक्स, चीतल, ब्लू बुल, स्नो लेपर्ड, रिशस मंकी, सारस, लायन टेल्ड और हनुमान मंकी जो है उनको भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। ये कुछ कैटेगराइज को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए अगले इसके अलावा अगले फैक्ट की बात करें, पर उससे पहले 2012 के यूपीएससी में आया हुआ एक सवाल आप देख सकते हैं, सेम 2012 में इसी तरह का एक सवाल आया था, यानी IUCN के ऑफिशियल डेटा से। तो आप देख सकते हैं कि प्रायः हर 2 साल या 3 साल में IUCN के डेटा से एक सवाल आ रहा है। अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो स्टेट पीसीएस पूछता है, स्टेट पीसीएस पूछता है तो स्टेट के बाकी एग्जाम्स भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित या उसी टॉपिक से संबंधित सवाल कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, 2012 का ये सवाल है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रिशस, बंदर और सारस, और अंतर में है सिंह, पुच्छी, मेकॉक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल, ठीक है। तो अब ये 2012 के बीच का क्वेश्चन नंबर, अब 2022 यानी 10 साल बीत चुके हैं, और 10 सालों में अभी बहुत सारे जो है स्पीशीज का कैटेगरी भी चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था। तो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप इस लेवल का अगर तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समझो कि तैयारी तगड़े वाले करो, यानी तगड़ा मतलब आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप इस लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब अगला न्यूज हम देखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे यहां तक कोई डाउट है क्या।
यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक वाइक भी करते चलिए, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, पूजा, मनीषा, सीवी, डब्लू यादव, पूनम, सचिन, विकास, बजरंगी, कंचन, राजेश, अंगद, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं फिलहाल इतने लोग के नाम हमारे सामने दिख रहे थे। चलिए अगला न्यूज जो है हमारा है श्री हरदीप एस पुरी। अगर हम बात करें हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने अतिक्रमणकारियों से स्वरोजगार तक यानी फॉर्म जो है इनक्रोचेस टू सेल्फ एम्प्लॉयड विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की छठी बैठक संबोधित किया। अब सिंगल लाइन क्वेश्चन आपका क्या होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे अगर आप कोई सिंगल वन डे एग्जाम की तैयारी करो तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने अतिक्रमणकारियों से स्वरोजगार तक के विषय पर कौन सी मीटिंग की, तो वहां पे बस ऐसे आएगा पांचवा छठा दूसरा तीसरा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मगर अगर आप थोड़ा हाई लेवल अगर लेके चल रहे हो, हाई लेवल यानी कि देख सकते हो तो ये पीआईबी का एक रिलीज है, प्रेस पीआईबी का प्रेस रिलीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये प्रेस रिलीज किया था। अब इसके तहत आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये चिंता क्या है, तो स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो आपके छोटे छोटे हाट लगाते हैं, हाट बोलते हैं जैसे जस्ट लाइक सब्जी की दुकान लगा रहे हैं, जस्ट ठेले वेले में लगा रहे हैं, जस्ट मतलब समझो कि जो फुटपाथ में साइड में बैठ के कुछ सामान को बेच रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ज्यादातर ये आप इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स आप देखोगे। आप दिल्ली आ जाओगे तो दिल्ली में आप देखना कि चांदनी चौक के बगल बगल में स्ट्रीट वेंडर्स बैठे रहते हैं। अब इनका दिक्कत ये नहीं है कि ये यहां सामान बेचते हैं, अब दिक्कत इनके साथ क्या है ना कि अगर आप 10 दिन अगर इनको कोई एक जगह दे दो ना, उसके बाद वो जगह वो अपने अपना समझ लेते हैं और वो पूरा कब्जा कर लेते हैं। अब वो कोई भी एरिया हो इनको कोई मतलब नहीं होता, अगर एक बार उन्होंने 10 दिन अपने ठेला लगा दिया कहीं पे खड़ा कर दिया वो उनके उनका जागीर हो जाता वो उनको। अब कहीं ना कहीं देखो अगर एक सिंगल लेन रोड है और उस जगह पे अगर आपने इस तरह के बहुत ज्यादा आप देखेंगे बहुत बार जब यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स अपने गाड़ियां जो अपने दुकानें लगाते हैं तो शाम के समय में स्पेशली देखना बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, इससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास एक चैलेंज भी है कि इनको एक प्रॉपर जगह दिया जाना चाहिए, एक प्रॉपर इनके लिए एक मार्केट होना चाहिए जिससे कि ये लोग जो है खुले में जो आप दुकानें लगा रही है कहीं ना कहीं इससे जो आम जनता को समस्या हो रहा है वो समस्या ना हो पाए और इनके हितों की भी बात करें। अब यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है तो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर किस तरह के सवाल आएंगे ये आपको जानना जरूरी है। और क्यों स्ट्रीट वेंडर्स, अगर हम बात करें स्ट्रीट वेंडर्स क्या है ये तो समझ गए, साथ ही साथ अब यहां कुछ और भी फैक्ट्स को हम जरा देखते हैं। चलिए ओके सुनाओ, तो अगर हम बात करें यहां पे स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे व्यक्ति है जो सामान की बिक्री के लिए एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना जनता को बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री के पेशकश करता है, यानी कि कोई अब देखो आप मॉल जाओगे एक स्थायी है फिक्स है, मगर स्ट्रीट वेंडर्स का कोई फिक्स नहीं होता, आज हो सकता है यहां कोई और है कल वहां कोई और है, मतलब कहते हैं घूम के बेचना या कहीं पे जो है बहुत ज्यादा क्राउड करके बेचना, सिंपल सी बात है। अब यहां पे बात आती है बात पे कि जब ऐसे शॉप्स यानी स्ट्रीट वेंडर्स लगाते हैं तो बेचने के लिए स्थायी रूप से वो फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों पर वो कब्जा कर लेते हैं जैसे देख सकते हो, और ये जो फैक्ट है ये जो कब्जा कर लेते हैं, अब जैसे कब्जा कैसे, तो अब वो अपना वो वहां ठेला लगाने लगे, अब वो उसका फिक्स हो गया, अब वो वहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए या टोकरियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेच रहे हैं तो एक जगह फिक्स कर लिए। तो ऐसे में क्या है, तो ऐसे में अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो भारत में अकेले लगभग अराउंड बात करें अप्रोक्स 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है जिनको चिन्हित किया गया, चिन्हित मतलब जिनको पहचाना गया। अब देखो यहां पे 50 लाख चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स है, ये ऐसे हैं जिनको जाना जाता है, अब ऐसे बहुत सारे हैं जिनको चिन्हित नहीं किया गया है याद रखिएगा। तो एक डेटा यहां से आएगा कि भारत में अभी अप्रोक्स कितने स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है, तो लगभग 49,48,000 के अराउंड स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर गई है। इनमें से कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स है, तो ये वही राज्य होगा जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यानी कि देखो सबसे यहां कंट्री यहां स्टेट से पूछा जाएगा सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स कहां पे है जिनकी पहचान की गई है, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश जहां लगभग 7 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है, दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है, और एकमात्र ऐसा राज्य सिक्किम है
यहाँ एक भी स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान नहीं की गई, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होंगे, इनकी पहचान नहीं की गई, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ये चीज मेन मायने रखता है, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और ऐसे अनआइडेंटिफाई बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स है, ये वही स्ट्रीट वेंडर्स का यहाँ पे लिस्ट है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सरकार के डेटा में, आंकड़ों में ये लोग यहाँ पे अपना तेहड़ी लगा रहे, अपना जो भी है, अपना हाट लगा रहे, अपनी दुकानें लगा रही है, ये उनकी पहचान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब बात आते हैं, ये तो यहां हो गया, अब स्ट्रीट वेंडर्स कहीं ना कहीं न्यूज में रहा, अब इनसे संबंधित देखो पॉलिटी कैसे यहां घुसेगा। स्ट्रीट वेंडर्स कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनको इनका भी तो अधिकार है, तो इनको संरक्षण मिला है कहां से, तो हमें और आपको और सबको संरक्षण यहीं से मिला है, आर्टिकल 19(1)(g). आर्टिकल 19(1)(g) क्या कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका से लिया है, जहां पे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 1G, जहां नागरिकों को कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का जो है व्यवसाय अपना सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य करने की मौलिक अधिकार देता है। अब इस अधिकार के तहत आप उन्हें कैसे हटा सकते हो, वो भी तो अपना जॉब कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो घूम घूम के बेच रहा है वो भी तो अपना जॉब कर रहा है, तो इन्हें ये एक्ट प्रोटेक्शन कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो उनके एरिया से, क्लियर यहां पे। तो पहला इनको संरक्षण यहां से मिला है। दूसरा संरक्षण की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून जो है सबके लिए समान है, कानून के समान संरक्षण से इनको वंचित नहीं कर सकते हो, जब सबके लिए समान कानून है तो आप उन्हें कैसे उनके साथ भेदभाव कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां होती है, चुनौतियां क्या होता है, इनके पास स्थान नहीं होते, स्थान की कमी देखने को मिलता है। इसके अलावा कई प्राधिकरण से निवारण, आप देखो कि नगर निगम वाले आए, अरे चलो 100 रुपया दो, पुलिस वाला है यहां ठेल लगा रहा 100 रुपया दो, तो ये इसको दो, दलाली दो, ये दो वो दो, रंगदारी टैक्स दो, तो कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारी ये चैलेंजेस है, चाहे वो किन्हीं को पुलिस के साथ हो या फिर यातायात में हो, इनके साथ शोषण भी बहुत होता है। आप अक्सर देखते होंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके सब्जियां या उनके सामान को फेंक दिया जाता है कोई बाहुबली द्वारा या कोई पावरफुल पर्सन द्वारा, चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज में भी ऐसा। इसके अलावा इनसे जबरन वसूली की जाती है, बार बार इनको बेदखल कर दिया जाता है अपनी ही जगह से, अगर जहां लगा रहे वहां से भगा दिया जा रहा है, तो ऐसे जो है रंगदारी रैकेट भी चलाया जाता है कि भाई तुम्हें यहां लगाने का रंगदारी देना होगा, तो इस तरह के जो चैलेंजेस स्ट्रीट वेंडर्स के पास बहुत सारा आ रहा है। अब सवाल है कि इनके हक के लिए, इनके हितों के लिए कोई तो बॉडी होगा, कोई तो संस्था होगा, कोई तो संगठन होगा जो कहीं ना कहीं खड़ा है, तो इनके हितों की अगर हम बात करें, इनके हितों के लिए जो सरकार की पहल, सबसे पहला स्वनिधि योजना जो लाया गया था, सरकार ने कहा जितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स है उनको ऑनलाइन से जोड़ने की प्रक्रिया थी, जब आप ऑनलाइन पेमेंट लो आपको 1200 रुपए तक का कैशबैक आपको करवाया जाएगा, तो ये एक स्कीम थी स्वनिधि, जो आप देख सकते हैं 1200 रुपए प्रति वर्ष की जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं राशि तक कैशबैक प्रोत्साहन के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, पहला ये, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन हो, सरकार अपना भी बेनिफिट यहां देख रही है, ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया जो कि नास्पी जिसका नाम है, इस संगठन की स्टैब्लिश की गई है, जो कहीं ना कहीं लीड करता है स्ट्रीट वेंडर्स, जिसके आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं लड़ता है, तो ये दूसरा पॉइंट है यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 भी पारित किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर आधारित है। तो ये जितने सारे फैक्ट आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये स्ट्रीट वेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए या सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिससे कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर्स को के हक के लिए कोई लड़े या स्ट्रीट वेंडर्स के हक की बात जो करे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित जितने सारे फैक्ट्स है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। आप देखो एक बात फिर से आपको बता रहे हैं, आप जिस लेवल की तैयारी करो हम उस लेवल का करंट अफेयर आपको दे रहे हैं, हम आपको ग्राउंड लेवल का करंट अफेयर नहीं दे रहे। अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी करो या आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करो, तो ये कॉम्बो वाला तैयारी आप करो। हाँ, हम ये आपको जरूर बता रहे हैं कि आपके वन डे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। वन डे एग्जाम्स में जैसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जैसे अब इसी के ऊपर क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संघ का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था, 2013, 2014, 2015, 2016, ये वन डे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, तो 2014 इसका सही जवाब होगा, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन वन डे एग्जाम्स में आते हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं आप इस टाइप के न्यूज को अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वन डे टाइप के करंट जो है लाइनर्स आप यहाँ पे बना सकते हो इसके ऊपर भी, अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो भी, तो यानी फायदा सभी के लिए।
आप बहुत रेयर केस लोग जो है ऐसे न्यूज पढ़ते हैं, हमें पता है। इस टाइप की न्यूज आप तभी कब पढ़ पाओगे जब आपको न्यूज पेपर पढ़ने की आदत है, क्योंकि न्यूज पेपर में ऐसे ही न्यूज आते हैं। ठीक है, अच्छे न्यूज तो सबको मजे आते हैं। अगला आप देख सकते हो, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आर्टिकल है लाइट मेंटल्ड, ठीक है, अल्बिट्रोस स्पॉटेड इन रामेश्वरम फ्रॉम फर्स्ट टाइम इन एशिया। देखो, एशिया में पहली बार यह पक्षी को स्पॉट किया गया, यानी देखा गया। अब यह पक्षी को पहली बार देखा गया, यानी इनसे पहले कभी भी यह पक्षी एशिया, तो दूर की बात है, एशिया से दूर दूर तक यह नजर नहीं आता था, तो पहली बार यह देखा गया है। तो पहली बार अगर देखा गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वन लाइनर अगर आप क्वेश्चन यहां बनाओगे, पहली बार अभी हाल ही में कौन सी पक्षी को एशिया में देखा गया है, बस वन डे के लिए इतना ही काफी है, वन डे के लिए। मगर अगर आप उससे ऊपर आर ओ ए आर ओ या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा इनके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। आइए जरा इस न्यूज के बारे में जरा देखते हैं और डिटेल जानकारी। पहले उस पक्षी को देखो जिस पक्षी की बात कर रहा है। इस पक्षी को देखने से आपको थोड़ा कबूतर वाला फीलिंग आएगा, थोड़ा कौवा वाला फीलिंग आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप इस पक्षी को देख रहे हो तो थोड़ा कबूतर वाली फीलिंग आ रही होगी, थोड़ा कौवा वाला भी फीलिंग आ रहा होगा। सर थोड़ा सा एक एंगल से ये कौवा लगता है तो एक एंगल से कबूतर लगता है, एक एंगल से सर थोड़ा लंबा चोंच वाला एक पक्षी लगता है जिसका चोंच लंबा है। कंफ्यूजन में है कि सर ये कौन सी पक्षी है। अगर इस पक्षी की बनावट देखो थोड़े अलग किस्म का है। आपको बता दें ये अपनी पूरी जिंदगी में लगभग लगभग उड़ के ही ये बिताती, यानी उड़ते रहती, ये उड़ने वाली पक्षी है। ये बहुत कम आपको जो है जमीन पे बैठते हुए नजर आएगी, ये उड़ने वाली पक्षी हमेशा उड़ती रहती है। अब सवाल यहां पे है कि इस तरह की पक्षी बहुत रेयर केस में आप जो है देखे होंगे, शायद आज से पहले आपने नहीं भी देखा होगा, ठीक है, कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इस यह पक्षी इस एरिया में दिखता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें, चलिए तो अगर हम यहां पे बात करें इसके ऊपर न्यूज, तो वह स्थान जहां अल्बिट्रास, ये पक्षी का नाम है, अल्बिट्रास को देखा गया है, ठीक है, वह पाक खाड़ी, ठीक है, पाक खाड़ी का हिस्सा है जो मन्नार की खाड़ी के पास भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्र है। ये हमारा भारत का मैप हुआ, ये हमारा श्रीलंका हुआ, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया में देखा गया, यानी जो राउंडिंग एरिया हमने मारा है इस एरिया में देखा गया। देखो इसको और भी ये कर देते हैं, ये एरिया पे देखा गया, इस एरिया में यहाँ पे स्पॉटेड हुआ, ये वाला एरिया पे स्पॉटेड हुआ है, यानी रामेश्वरम यहीं पे है, तो इसी एरिया पे स्पॉटेड हुआ है ये पक्षी की बात करें। आगे की बात करें, पक्षी की दर्ज की गई निकटतम साइट रामेश्वरम से लगभग 5000 किलोमीटर की दूर में है, और शोधकर्ताओं, अब जिस देखो अब पहली बार इस पक्षी को देखा गया, तो अब जो जो कहीं ना कहीं ये करते हैं शोध करते हैं, उनका अब मन में आ रहा होगा, हो सकता है कि ऐसी पक्षियां अपने नए घर की तलाश कर रहा हो सकता है पुराने घर में इनको कुछ दिक्कतें क्रिएट हो रही है जिस कारण से ये नए घर की तलाश कर रहा है, और इनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हिंद महासागर की जो है क्षेत्र हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आ रहे हैं, यानी रिसर्च का एक पार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें शोधकर्ताओं ने स्थापित मार्गों एवं स्थलों से दूर पक्षियों के प्रवास की तलाश करने हेतु प्रोत्साहित करती है, कहीं ना कहीं हो सकता है इस रीजन से ये लोग यहां आए होंगे। अब बात करते हैं लाइट मेंटल अल्बिट्रास की बात करें, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि अब आपके वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दो ही आएगा, एक तो उनका वैज्ञानिक नाम क्या है और अभी हाल में कौन सा पक्षी देखा गया। मगर कहीं कहीं अगर हम उससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो और भी बहुत सारे डिटेल होते हैं। तो यहां एक क्वेश्चन यहां आपका यह बन सकता है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इनका वैज्ञानिक नाम है फोबेट्रिया पल्पब्रेट। तो बड़ा टफ नाम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है वो बड़ा टफ होता है, थोड़ा टंग फंसने लगता है। अब इसके अलावा देख सकते हैं ग्रे मेंटल अल्बिट्रास को और भी हम नाम से बुलाते हैं, लाइट मेंटल्ड सूटी अल्बिट्रास के रूप में भी इसको हम जानते हैं, ये बात याद रखिएगा, या ग्रे मेंटल्ड अल्बिट्रास के रूप में भी इनको हम जानते हैं, तो ये अलग अलग नामों से भी हम इनको बुलाते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए क्लियर है यहां तक। आगे की अगर हम बात करें अब लाइट मेंटल अल्बिट्रास अपने अधिकांश जीवन उड़ने में ही बिताते हैं, जैसे हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ज्यादातर ये उड़ के ही बिताते हैं, यानी हवाओं में ही ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा 1998 में एक इनके ऊपर एक सर्वे हुआ था, एक डेटा निकाला गया था कि दुनिया भर में ये पक्षी कितनी है, उस वक्त इसकी जो है 21,600 प्रजनन जोड़ियां थी, यानी कि 21,600। अब बोलोगे सर कैसे पता कर लिए, उड़ते रहता है तो कैसे, एक अनुमान होता है, शोधकर्ता रिसर्च करते हैं कि हाँ लगभग 21,600 इनकी जोड़ियां है। जोड़ी का मतलब क्या है कि हर एक का एक पैर है, ठीक है, जैसे आपके लिए भी कोई जोड़ी बना होगा, हो सकता है वो बर्तन धो रहा होगा या भी खराटा मार के सोया होगा, रात भर पढ़ा होगा, चटियाया होगा, तो हर कोई का कोई ना कोई जोड़ी होता है, सिंगल तो कोई रहता नहीं, बहुत रेयर केस में कुछ ही लोग सिंगल रहते हैं, और जो सिंगल होते हैं वो कुछ बना देते हैं, ठीक है, देश के लिए काम करते हैं किसी और के लिए,
बाकी अगर आईसीएन में इसे रेड लिस्ट यानी निकट संकट ग्रस्त के सूची में से रखा गया है यानी रेड लिस्ट में है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो अभी पक्षी देखा गया आईसीएन के किस कैटेगरी में इसे रखा गया है, तो इसे रेड लिस्ट में रखा गया। आई होप इस न्यूज में भी आपका सारा डेटा क्लियर हुआ होगा, सारा डाउट क्लियर रहा होगा। चलिए चलिए बहुत खूब आगे चले एक बार बताएंगे यहां तक। ओके बाकी जितने लोग ठीक है लोग क्लास में कुछ भी बातें कर रहे करने दो, आप जो पढ़ने आए हैं वो आप अपना पढ़ाई कीजिए, हम तो यहां आपसे कुछ लिखने तो कह नहीं रहे। कमेंट बॉक्स क्यों देख रहे हो, फुल स्क्रीन कर लो और बस क्लास करते रहो। क्यों आप कमेंट पढ़ रहे हो, कमेंट पढ़ोगे तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, आप कमेंट को ऑफ कर लो और बस फुल स्क्रीन करके पढ़ाई किया करो। साथ ही साथ आप जितने लोग मेन चैनल में पढ़ रहे हो आपको बता दें, अगर इस चैनल को इस क्लास को रेगुलर चाहते हो तो आप कहां से कर सकते हो, यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल। आप चैनल टैब में जाइएगा, चैनल टैब में फोर्थ या फिफ्थ में आपको दिखेगा यूपीपीसीएस एग्जाम प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल, यहीं पर सारी क्लासेस होगी। अगर आप यहां अभी जुड़े हो तो हम तो आपसे यही कहेंगे मेन चैनल में जो भी लोग रेगुलर अगर यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ की तैयारी करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे क्लासेस चल रही है, तो अभी तुरंत यहां से निकलिए, चैनल टैब में जाइए और यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर वहां से जुड़ जाइए। तो वहां से अगर आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके और हमारे दोनों के लिए होगा। चलिए आइए अगले न्यूज की ओर कवर करते हैं। अगला न्यूज आप देख सकते हैं, हाल ही में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी के लिए मिस्ट यानी म्यांमार मलेशिया भारत सिंगापुर ट्रांजिट पनडुब्बी केबल प्रणाली को सिफारिश की है। द हिंदू का आर्टिकल है, पैनल मोस्ट सेपरेट कॉरिडोर फॉर सबरीन केबल सिस्टम्स इन चेन्नई। तो सबसे पहले देखो, आप जो इंटरनेट यूज करते हो, आप यहां इतना फास्ट इंटरनेट यूज करते हो, कैसे करते हो, तो वो याद रखिएगा वाया केबल हम कनेक्ट है स्विट्जरलैंड से, सिंगापुर से, या फिर अगर बात करें थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, केबल के द्वारा। और ऐसे बहुत सारे केबल्स जो समुद्र में बिछाए भी गए हैं, हम आपको उसका एक इमेज दिखाना चाहते हैं। अक्सर आप इस तरह के इमेजेस देखे होंगे, इस तरह के इमेजेस, ये केबल इमेजेस होते हैं जो केबल लगाए होते हैं। अक्सर जब जब कभी कभी क्या होता है, किसी जलीय जीव द्वारा केबल को नुकसान हो जाता है, केबल टूट जाती है, जिस कारण से नेटवर्क में बाधा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जरा देखते हैं ये हाई स्पीड जो इंटरनेट फ्लो करने वाला केबल है इसके बारे में। तो इसे जो है मुंबई से, पहले मुंबई से अगर लाया जाएगा, यहाँ चेन्नई के साथ भी कनेक्ट होगा, एक एक रास्ता चेन्नई से आएगा, जरा देखेंगे, एक एक जो है केबल चेन्नई से ऐसे आएगा और एक मुंबई से आएगा, मेनली मुंबई से, और ये फिर केबल एक केबल के रूप में जाएगा, एक केबल उधर ऊपर म्यांमार चला गया, एक इधर थाईलैंड जाएगा, एक मलेशिया जाएगा और फाइनली आखिर सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर से लेकर ये मुंबई सबसे लॉन्गेस्ट दूरी है। तो ये जो है इसका टारगेट किया गया इस केबल को लगाने का, अब इससे क्या फायदा होगा और ये केबल क्यों लगाया जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करते हैं, यहां पे तो जो है बहुत सारे ऐसे केबल्स यहां पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें और जो है ऑलरेडी जो है मुंबई में स्थापित होने वाला, इससे पहले 16 केबल मुंबई में लग चुका है, यानी इससे पहले और भी जो है 16 ऐसे ऐसे केबल लग चुके हैं, ये 17वां केबल होगा जो मुंबई से अब जो है कहीं ना कहीं दूसरे देशों को जोड़ने वाला है। तो अगर हम बात करें, यह मुंबई में स्थापित होने वाला 17वां ऐसा ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसके वर्ष 2023 में सेवा हेतु उपलब्ध हो जाएगा, यानी इसकी सेवाएं शुरू हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आएगा कि मुंबई में अभी तक कितने केबल जो है फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम लगा है, तो अभी तक 16 है और यह 17वां जो अभी लग रहा है, जिसे हम मिस्ट नाम दिया। मिस्ट नाम का मतलब म्यांमार मलेशिया भारत सिंगापुर ट्रांजिट, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। आगे की बात करते हैं, मिस्ट एक अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल संचार नेटवर्क है जो भारत को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों से जोड़ेगी। क्वेश्चन एक वन लाइनर ऐसे भी आ सकता है कि बताइए मिस्ट जो अभी एक बहुत ही बहुआयामी जो है परियोजना है जिसके तहत हम अंडर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएंगे, वो भारत को किन किन देशों से जोड़ेगी, एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, या इनमें से कौन से देश जिसे नहीं जोड़ेगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पे एक क्वेश्चन है बनेगा। और याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, समुद्र से होकर ये केबल जाएगी। अब बात यहां पे आता है, ठीक है, चलिए अब अगली फैक्ट की ओर बात करते हैं। ये बस ये न्यूज इतना ही था, वो दूसरा स्लाइड गलती से अपलोड हो गया था। चलिए यहां तक क्लियर है, ऑफलाइन 8-10 साल हो गया, मतलब ऑफलाइन पढ़ाया हुआ तो लगभग 4 साल पहले पढ़ाते थे, ऐसे तो 9 साल से पढ़ा रहे हैं, 9 साल से, तो ऑफलाइन अब बहुत मतलब रेयर है। ऑनलाइन में जब सब कुछ मिल रहा है आपको, यहाँ कंटेंट ज्यादा मिलता है, ये सारी चीजें अब आपको ऑफलाइन में लिखवाना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आपको लिखवाने के बजाय आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पीपीटी हम बना के दे रहे हैं, यानी कि समझो ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, रोजाना बेस मिलता है, कहां से मिलता है ये हम आपको बता देंगे कि किस जगह पे ये अपलोड की जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कहां से अपलोड होगा सर, पीडीएफ कहां से डाउनलोड होगा, हर एक चीज आपको प्रोसेस से करवाते हैं और सिस्टमेटिक वे से करवाते हैं।
अगर आप इस लेवल का करंट अफेयर कर रहे हो, यकीन मानो आप यूपीएससी से लेकर एक ग्रुप डी रन रक्षक, जो वन रक्षक या जीडी या फिर एमटीएस, किसी भी लेवल का अगर करंट अफेयर कर रहे हो तो आपका यहां से कवर होगा। आप जब इसके क्विज को करोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो आप आज आईएएस पीसीएस बाय एग्जाम पूर चैनल में आना, आपको खुद ये बिलीव हो जाएगा कि यस सर हर एक प्रकार का सवाल हम यहां से करते हैं, क्योंकि हम वहां मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी करते हैं और सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन हर वो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है जो वन डे टाइप के एग्जाम है, और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हर वो एग्जाम के लिए है जो जिसमें सेकेंड लेवल या थर्ड लेवल है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू या फिर प्री मेंस वाला सिस्टम है। क्लियर है यहां पे? चलिए, तो यहां पे हम देखेंगे वन रुपी डॉक्टर जो है यहां पे, जिनका नाम क्या है, सुशोभन बंध्योपाध्याय जो है या बैनर्जी, डिस्ट्रीब्यूट फॉर इन। तो आप देख सकते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का है, तो 26 जुलाई 2022 का ये पुराना न्यूज था, कोलकाता में इनका निधन हुआ। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे हो, ये ऑबिचुरी केसेस है, ऑबिचुरी केसेस से एक क्वेश्चन यहां पे अक्सर देखा जाता है। अब ये डॉक्टर की कहानी आपको बताते हैं, ये डॉक्टर की कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने एक जो कहते हैं अपने आप में ठाना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बना देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, ठीक है। अब इतिहास बन जाते हैं मतलब कि अगर हम बात करें, लोग अब सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें अकबर की बहुत बड़ी सेना थी या महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी सेना थी। अब महाराणा प्रताप का इतना बड़ा सेना था तो उसमें बहुत सारे सैनिक थे, क्या हर एक सैनिक की के बारे में आपको पता है? नहीं ना। तो बिल्कुल आप और हम उसी तरह से, या अगर आपकी खुद की पहचान नहीं है, सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, तो समझो कि आप और हम ये जो जीवन में हम आए इसका कोई, हमने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया। आज अगर आपको दो लोग, पांच लोग, दस लोग, हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार, पचास हजार लोग जान रहे हैं, तो मतलब समझो कुछ तो अचीवमेंट आपने किया है। उन्हीं में से एक ये हमारे जो है, इनके बारे में क्या कहना, क्रेजी इंसान थे, क्रेजी इंसान। इन्होंने देखा कि लोग बंगाल को कहते हैं कि यार गरीब, कहते ना जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसे वालों का, और बंगाल है कंगालों का। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ये मिथ है एक, मगर कहीं ना कहीं गरीबी तो है बहुत ज्यादा, नो डाउट गरीबी है, साक्षरता की भी कमी है। आज भी अगर आप बंगाल के अगर रूरल एरियाज में चले जाओ तो आपको मतलब 1970 वाला फीलिंग्स आएगा, कुछ रूरल एरियाज की बात करें। ऐसे में ये एक वहां मसीहा बन के आते हैं, और उन गरीबों को जिनके पास मेडिकल का भी इलाज कराने का भी पैसा नहीं है, उनके लिए एक फैसिलिटी लाते हैं कि आप मात्र एक रुपए में इलाज करोगे। अब एक रुपए, यकीन मानो आज के डेट में अगर किसी भिखारी को भी एक रुपए दोगे ना, तो उठा के वो आपको ही दे देगा दो रुपए, बोल लो तुम ले लो, हमसे बड़ा वाला तुम हो। यकीन मानो आप देख लेना, ट्राई करोगे। आप किसी एक बेगर्स को, जो बेगर्स जो भीख मांगते हैं, उनको आप एक रुपए देना, यकीन मानो वो आपसे, आपकी तरफ ऐसे देखेगा जैसे लग रहा है कि आपने उसका कर्जा ले रखा है, और अगर उसका दिमाग फिरा तो वो दो और पांच रुपए भी आपको दे देगा, ले तुम खा लो, तो हमसे बड़ा वाला तो तुम हो। क्लियर है यहाँ पे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा कि सिर्फ हम और आप नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम चला गया। आप समझ सकते हो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनको नाम गया है, इन्हें पद्म से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे महान शख्स ये थे, इन्होंने एक रुपए में इलाज शुरू की, और कहते एक रुपए तो निस्वार्थ भाव होता है ना, ये बस एक फॉर्मल चार्जेस था। एक रुपए से चार्जेस देखते देखते ये इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए, दूर दराज से लोग इनसे इलाज करवाने आने लगे, और इनके पास एक रिकॉर्ड गया कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा मरीजों को देखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं को मिला है। तो ये नाम अच्छे से देख लीजिएगा, ये फेस को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों को देखने वाले डॉक्टर कौन है। ये अपने आप में एक, देखो आप कैसे पता चला, तो हर एक रुपए का स्लिप था, तो एक रुपए का उनका रिकॉर्ड तो रहता था कि हमने इतने डॉक्टर, इतने मरीज को देखा, क्योंकि अगर पैसा लिया जाता है तो रिकॉर्ड उनका जमा रहता है, ये बात याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं गरीबों के मसीहा और एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंध्योपाध्याय, यानी जो बैनर्जी का 26 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। वो बहुत सारे, बहुत दिनों से किडनी की बीमारी कारण खुद ही मतलब जूझ रहे थे, और लगभग 84 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। उनके निधन से पश्चिम बंगाल को एक बहुत ही हेवी लॉस हुआ, नो डाउट हेवी लॉस हुआ, क्योंकि गरीबों के लिए एक तरह से भगवानी थे। और तो और वो डॉक्टर सुशोभन पिछले 57 वर्षों में बोलपुर में एक रुपए फीस लेकर गरीबों का इलाज कर रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि, मतलब हम ये चीजें आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो क्या है, ठीक है। और वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, यानी कि आपने देखा अभी कुछ साल पहले। और तो और इन्होंने सबसे अधिक रोगियों का इलाज किया है, और इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो जितने भी फैक्ट्स इनके ऊपर बनते थे,
एक्चुअल फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे आपके स्किन के ऊपर। आई होप अब इनके ऊपर जितने भी सवाल आएंगे वो सब आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजनीतिक पकड़ की बात करते हैं, क्योंकि देखो अक्सर आजकल जब भी ओबिचुरी हो जाता है तो एक राजनीतिक पकड़ से क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। राजनीतिक पकड़ की बात करें, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कांग्रेसी लीडर से किया था और वो विधायक के रूप में जाने गए थे। इसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस बनी तो तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद फिर वो कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस यानी कि जिस पार्टी के अभी लीड कर रही है ममता बनर्जी, जहां अभी सीएम जो है कहीं ना कहीं कह सकते मेजोरिटी में वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है, उसी तृणमूल कांग्रेस का ये भाग बने और कहीं ना कहीं हम बात करें वो वीरभूम के जिलाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेटा है। इससे बाहर इन शख्स के ऊपर से एक भी सवाल नहीं आएगा, विथ गारंटी हम बता रहे, एक भी बार सवाल नहीं आएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके लाइफ में थे वो सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे। देखो ऐसे तो लाइफ में अब उसकी बीवी कौन थे, उसका बच्चा कौन था, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता ना। एग्जाम में वही फैक्ट पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं जेन्युइन हो, जो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप यहां तक ये सवाल भी आपका क्लियर रहा होगा। आइए अगले न्यूज की ओर मूव करते हैं। चलिए चलिए, थैंक्स अमन सिंगल ही कुछ बड़ा करते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब। अगला सवाल, अगला जो न्यूज है, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। अब सवाल यहां पे है ईटी नाउस, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहां पे जो ये न्यूज लिया गया है, इंडिया इंद्रमीत गिल अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब सवाल यहां पे है कि वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था में अगर आप चीफ इकोनॉमिस्ट अगर रिक्रूट हो रहे हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अब ये भी एक मुद्दा है कि क्या सर ये पहली बार है, क्या ये पहली बार है जब हमारे देश से कोई वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि समझो पूरा वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक से रिलेटेड सारा फैक्ट अब यही संभालेंगे, यानी अर्थव्यवस्था से कैसे चलाना है, किसको क्या पैसे देना, कितना क्या करना, ये सब अब इन्हीं की देखरेख में होगा। क्लियर, यही जो कहते हैं ना, मतलब कहते हैं लेखा जोखा का सारा अब यही हेड बनेंगे। तो क्या ये पहली बार है सर कि जब इंद्रमीत गिल जैसे शख्स पहली बार विश्व बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री बन रहे, या इनसे पहले भी कभी कोई ऐसे भारतीय बने हैं जो कहीं ना कहीं इस पोस्ट पे रह चुके हैं, ये अपने आप में एक सवाल आना चाहिए मन में। तो सवाल यहां ये नहीं है, अब मान लो कि ये करंट अफेयर का सवाल है और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार विश्व बैंक भी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे घोषित किया गया, तो आप कहोगे अरे सर करंट अफेयर पगला गया है, 20 साल पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, 10 साल पहले का पूछ रहा है, 3 साल 2 साल 1 साल। भाई वो 2 साल पहले का करंट अफेयर नहीं पूछा है, आप शायद ध्यान नहीं दिए हो, करंट पे वो न्यूज रहा था और इसी कारण से उसे रिलेट करके पूछा गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो 2 या 3 या 4 साल पहले का कुछ करंट अफेयर है। आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर आपका है, इस करंट अफेयर से आपको बहुत सारे फैक्ट को रिलेट करना होगा, यानी ये पहले है या दूसरे है, तो आपको बता दें ये सेकंड है, ये पहले नहीं है। तो जब ये पहले नहीं है तो कौशिक बसु साहब जो कि पहले थे उनके बारे में भी आपको जानकारी यहां पे कुछ दी जाएगी। आइए जरा इस न्यूज को जरा और भी डिटेल से देखते हैं। तो अगर हम बात करें जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वो शख्स आपके स्क्रीन के ऊपर यहां है। तो हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया। अब सवाल ये आता है कि इस पद पर अभी तो कोई होगा ना, यानी ऐसा थोड़े ना कि ये पद अगर यहां पे अभी इंद्रमीत गिल साहब आ रहे हैं तो ये पोस्ट पूरा खाली होगा, नहीं, इस पोस्ट पे एट प्रेजेंट जो बैठे हुए हैं वो अभी कौन है, तो अमेरिका के एक अर्थशास्त्री है कार्मेन रेनहॉट। तो कार्मेन रेनहॉट की जगह ये लेंगे, तो एक सवाल ये भी आता है कि ये किनके जगह पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये कार्मेन रेनहॉट का जगह लेंगे। और तो और यहां पे बात करें इंद्रमीत गिल जी जो है 1 सितंबर 2022 को यहां रिक्रूट होंगे, मतलब कि यहां पे एक लाइन और लिख लेना कि सितंबर महीने के पहले तारीख को एक और करंट अफेयर का न्यूज आएगा और धमाकेदार लिखा रहेगा इंद्रमीत गिल इज करंट जो है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, एक ऐसा एक स्टेटमेंट फिर आएगा, यकीन मानो लिख लो विथ गारंटी बोल रहे 200-500%। 1 सितंबर का जब आप आर्टिकल देखोगे, यानी 2 सितंबर में आप जब पेपर पढ़ोगे तो ये आर्टिकल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, यानी आप उतने दिन का क्यों वेट करो, आप अभी से करंट अफेयर तैयार रखो ताकि उस दिन जब आपका ये करंट अफेयर हो आपका समय भी बच जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप उस जगह पे कोई और चीजें पढ़ लो। तो ये फ्यूचर करंट अफेयर आप देख सकते हो। इसके अलावा मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, ये सारे फैक्ट हमने आपको यहां बताई दिया है। और तो और अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में गिल वर्ल्ड बैंक के इक्विटेबल ग्रोथ
फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट जो है, यानी एट प्रेजेंट टाइम ये अभी कहां पे है, ये भी एक सवाल आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अगर इंद्रमीत गिल जी को जो है ये इतना बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है, तो इनसे पहले वो कहां है, तो ये अभी भी वर्ल्ड बैंक में ही है और किस पोस्ट में है, तो वो यहां पे मेंशन है। तो देखो कितने फैक्ट हो गए, पहला ये शख्स अभी कहां पे है तो आप देख सकते हो, ये किन के जगह पे आएगा तो ये भी देख सकते हो, इसके अलावा ये रिक्रूट कब होंगे तो ये भी यहां पे देख सकते हो, एक एक पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले कौन बने थे, सबसे पहले कौशिक बसु बने थे 2012 में, अब 2012 के बाद यानी आप देख सकते हैं 2012 के बाद अब ये 2022 होगा पहला, जहां पे ये आप देख सकते हो। चलिए क्लियर, यहां पे जो ये वॉइस पकड़ क्यों रहा है, चलिए क्लियर, यहां तक आगे आते हैं, आगे आते हैं, आई होप यहां तक क्लियर होगा, एक बार बताएंगे सभी का क्लियर है, चलिए क्लियर है यहां तक, बाकी एक बार फिर से बता रहे हैं जितने लोग मेन चैनल के साथ देख रहे हैं, जो भी मेन चैनल में देख रहे हैं, अगर आप ये क्लास रेगुलर चाहते हो तो इस क्लास को रेगुलर लेने का एक तरीका है, आप अपने एग्जामपुर मेन चैनल से चैनल टैब पे जाइए, वहां फोर्थ या फिफ्थ में आपको यूपीपीसीएस एग्जाम प्रेप बाय यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल का नाम होगा, उस चैनल पे आइए और वहां से आप हमें देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में सारी क्लासेस वहीं से ही होगी, ठीक है, रेगुलर क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, अगर अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए सुनाओ, अगला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है, इंडिया टू होस्ट वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2025, और ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो इंडिया का किया है, पर क्या वो इंडिया से ही संबंधित सवाल पूछ सकता है? आपको बता दे, यहां पे डिसाइड किया गया 2024 में कौन होगा, डिसाइड किया गया 2025 में होस्ट कौन करेगा, डिसाइड किया गया 2026 में होस्ट कौन करेगा, और ये भी डिसाइड किया गया 2027 में होस्ट कौन करेगा। तो जब ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कुछ इमेजेस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक मिनट हम आए जरा लिख रहे हैं, तो कुछ ये हो जा रहा, फोन चेंज हो रहा है, जरा पूछ लेते हैं एडिटर साहब से, एक सेकंड रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, तब तक शेयर कर दीजिए सेशन को, हम पूछ के आ रहे हैं, जिससे लिख रहे हैं तो वो आप देख रहे हैं फॉन्ट बदल जा रहा है। चलिए तो यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हमने कहा कि जो 2024 में कहां होगा, 2025 में कहां होगा, 2026 में कहां होगा और 2027 में कहां होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे हम यहां देखने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अगर हम बात करें आईसीसी के अनुसार भारत 2025 महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भारत महिला विश्व कप की मेजबानी अगर कर रहा है, तो भारत अगर महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है तो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक ग्रेट अचीवमेंट भी है, कहीं ना कहीं हम अगर होस्ट कर रहे हैं, पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि हम होस्ट कर रहे हैं, हमारे अलावा और कौन कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, चलिए ये भी यहां पे जानना जरूरी है कि हमारे अलावा और कौन कौन होस्ट कर रहा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि परिषद ने 26 जुलाई 2022 को 2024 से लेकर 27 तक होने वाले सारे आईसीसी ओडीआई आप देख सकते हैं जो है की बात यहां पे की है, और कौन कौन सा कंट्री होस्ट करेगा इस बात पे यहां चर्चा की गई, जिसमें भारत का भी नाम रखा गया। अब सवाल यहां पे ये आता है कि सर क्या इसमें हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी शामिल थे? तो बिल्कुल बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी भी यहां पे शामिल थे, ये जब हो रहा था। अब बोलोगे सर आईसीसी का हो रहा था और बीसीसीआई के यानी कि हमारे सौरभ गांगुली जी, भाई बुलाया गया था इसीलिए वो थे, तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बांग्लादेश सबसे पहले 2024 में होस्ट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा लिख लीजिए आने वाले समय, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ल्ड एग्जाम्स तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं।
जो छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो बड़े एग्जाम्स की सोच रखते हैं बड़े व्यूज उनके लिए तो थोड़ा कम है। तो 2024 में बांग्लादेश होस्ट करेगा। इसके अलावा आपने देखा 2025, देखो यहाँ पे हम अलग से लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2024 की बात करें तो बांग्लादेश करेगा, 2025 की बात करें तो हमारा प्यारा भारत करेगा, 2026 की अगर हम बात करें 2026 का संस्करण जो होगा वो इंग्लैंड करेगा, ठीक है, इंग्लैंड करेगा, और 2027 की बात करें श्रीलंका करेगा, श्रीलंका। तो 2024 को कहीं ना कहीं बांग्लादेश, 2025 को भारत, 2026 को इंग्लैंड और 2027 को श्रीलंका। तो यहां पे चार ऐसे न्यूज बन के आए हैं जो आने वाले अभी चार सालों के लिए आपका काम आएगा। तो ये हो गए फिक्स स्टैटिक करंट अफेयर। फिक्स स्टैटिक करंट अफेयर मतलब ये अभी चार साल तक चलने वाले हैं, मतलब कि ये ऐसे न्यूज है इनका अलग से लिस्ट बनाना आपको चाहिए। ऐसे करंट अफेयर जो आने वाले दो तीन साल तक चलेंगे उनके लिए अलग से एक लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता है कि 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद वो पुराना हो जाता है, पर ये कुछ ऐसे करंट अफेयर है जो आने वाले समय में रहेंगे, खासकर जब कौन सा गेम कौन होस्ट करेगा, इस तरह के फ्यूचर वाले जो करंट अफेयर है। आगे की बात करें तो यहां पे ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं कौन कौन सा देश यहां पे होस्ट करेगा। इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं यहां पे कौन कौन शामिल हुआ था, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अब मेन आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई जो आप देख सकते हैं, बीसीसीआई की जब बात करते हैं तो बीसीसीआई की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये जो है एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेशनल बॉडी है जो कहीं ना कहीं जो भी क्रिकेट्स होते हैं इंडिया में, इंडिया के क्रिकेट जैसे आईपीएल वीपीएल सब इन्हीं के द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया है और इसका गठन 1928 में हुआ था। लोगों को जब पूछा जाता है ना तो लोगों को लगता है दिल्ली सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ है। अधिकांश बार एक बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछ दिया गया था कि बीसीसीआई आप क्रिकेट, उन्होंने कहा सर हम क्रिकेट के शौकीन हैं, तो बोला उन्होंने कहा था ठीक है कि क्रिकेट हमें बहुत पसंद है, तो उनसे कहा गया कि बीसीसीआई जो है वो कहां उनका पंजीकरण हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सर आई थिंक दिल्ली में, दिल्ली जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ था, पर वो गलत है, याद रखिएगा तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ था और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1928 में हुआ, और जो भी इंडिया में खेल होते हैं क्रिकेट उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल बीसीसीआई होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इसका मुख्यालय अगर आपको देखना है तो मुंबई है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मेरे हिसाब से अमन कुमार ये सब बेसिक चीजें आप सब जानते हो, किसी स्टेट का नाम अगर आता है तो उसका सीएम गवर्नर, ये बेसिक चीजें हैं, ये सब कुछ आप लोग पता है, उससे क्या होता है वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आप थोड़ा लेवल अप कर लो, अपना लेवल अप कर लो। हाँ, अगर हम, अगर आप वन डे एग्जाम्स देते हैं, अगर आप RRC ग्रुप डी तो इस टाइप में समझ सकते हैं, उससे क्या होगा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हम फिर से बता रहे हैं, कुछ भी नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर हम जैसे बता दें, चलो मुंबई की बात करें, मुंबई की बात करते हैं, कौन नहीं जानता मुंबई कैपिटल, महाराष्ट्र स्टेट है, मुंबई कैपिटल है, यहाँ पे जो है एकनाथ शिंदे जी अभी हाल ही में यहाँ पे सीएम बने हैं, उद्धव ठाकरे जी को हटाकर बने हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है, गवर्नर, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं लगता कि अगर आप एक हाई लेवल तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी चलो कर देंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार बाकी लोग सजेस्ट करेंगे कि हाँ अगर आप चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एडिशनल डेटा बताने में कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी नहीं। बस वही होगा कि हर न्यूज के साथ हमें 10 15 20 सेकंड और ऐड करना होगा। चलिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान तर्कहीन फिब्रीज मुफ्त उपहार वितरित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देख सकते हैं द हिंदू ने इसे कवर किया। द हिंदू आप सभी का फेवरेट भी होता है, बहुत सारे लोग जिसको नहीं भी आता वो भी कहते हैं क्या पढ़ते हो भाई न्यूज़पेपर, तो इंप्रेशन जताने के लिए क्या, तो द हिंदू पढ़ते हैं तो आपको एक बार ऐसे देखेगा, पावर द हिंदू पढ़ता है, चलो अच्छी बात। कभी भी कंपटीशन की तैयारी करो, अगर कहो हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं या हिंदुस्तान या आज पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको अजीब टाइप से दिखे, पर ऐसा नहीं है, खबरें वहां भी होती है पर वहां मसाले वाली खबरें ज्यादा होती है। मसाले यानी कि करीना कपूर ने ये किया, कैटरीना विक्की कौशल के साथ ये कर रहे हैं, रणबीर और आलिया यहाँ घूमने गए हैं, ठीक है, 40 लोग वहां मारे गए, 25 लोग वहां उसके साथ पकड़े गए, 26 लोग वहां पे पानी में डूब गए, तो ऐसे न्यूज वहां ज्यादा होते हैं। जो कहते हैं ना सारे काम का जो होता है जो फैक्चुअल न्यूज होता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, तो कहीं कहा जाता है कि इंग्लिश पेपर में ज्यादा आपको देखने को मिलता है कंपेयर टू हिंदी पेपर। खैर, डजेंट मैटर, पेपर पेपर होता है, वहां भी काम की चीजें होती है पर आप वहां ढूंढ नहीं पाते हो क्योंकि आपका ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाएगा। आप जैसे ही वहां मनोरंजन वाली पत्रिका खोलोगे तेज आपका ध्यान ऐसा कन्वर्ट होगा, क्यों होने वाला है इस बार ब्रह्मास्त्र
सबसे अनोखा ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब आपके मन में मन आ ही जाएगा, एक बार पढ़ ले कैसे तोड़ेगा। बस अगला जैसे उसको पढ़ के बोला हट फालतू है, अगले जाओगे तो फिर बोला क्या क्यों रणबीर उदास हो गई या उदास हो गया समथिंग। तो कैन प्रॉमिस ऑफ इरिटेशनल पोल फ्रिविस बी कर्ब्ड, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। अब ये फ्रिविस क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है। तो ये फ्रिविस क्या होता है जरा समझेंगे, पीडीएफ कहां से मिलेगा बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो फ्रीबीज क्या होता है, जैसे आपने सुना है कि सरकारी जो होती है, जो पार्टियां होती है, पार्टियां क्या करते हैं, वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी तुम सबको लैपटॉप दे देंगे, हमारी सरकार आएगी तुम सबका ये माफ कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तुम्हें बिजली देंगे, हमारी सरकार आएगी तुम्हें बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, घर मुफ्त, तुम्हें सब कुछ मुफ्त, तुम्हें राशन मुफ्त, तुम्हें साइकिल मुफ्त, तुम्हें लैपटॉप मुफ्त, तुम्हें स्मार्टफोन मुफ्त। भाई ये मुफ्त क्या तुम्हारे अब्बा के घर से आता है क्या, ये हमारे और आपके जैसे जो है टैक्स पेयर, हम टैक्स जो देते हैं वो पैसा है। तो भाई आप मुफ्त क्यों दे रहे हो, सबसे पहले मुफ्त देना है, स्वास्थ्य मुफ्त दो नो डाउट, आप जो है पढ़ाई मुफ्त करो समझ में आता है, अब आप जो है साइकिल जो है आप ऐसे चीज मुफ्त कर रहे हो जो चीज कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जैसे बहुत बार आपने सुना होगा ना कि हम सबको बाइक दिलवा देंगे जितने हमारे कार्यकर्ता है अगर हमारी पार्टी जीत गई तो। अब भाई बाइक दिलवा दोगे तो उसमें मानते हैं जनता को जाएगा, पर उस बाइक का यूज क्या है ये बताओ, क्या वो रैपिडो में चलाएंगे। आपको करना है तो चलो ठीक है, आप अफोर्डेबल बिजली रेट्स लगा दो, जो बिजली आप लेते हो उसमें कुछ सब्सिडीज दे दो, जो आप जो पेट्रोल से लेते हो उसमें कुछ सब्सिडी दे दो, छूट मत दो। देखो तो सब्सिडीज अलग है और पूरी तरह से मुफ्त अलग है, सब्सिडीज को मुफ्त के साथ मिलाओगे तो हौच-पौच हो जाएगा, तो सब्सिडीज को कभी भी मुफ्त के साथ मत मिलाओ, ठीक है। सब्सिडीज दोगे तो एक है कि आपको यहाँ कुछ लाइबिलिटीज होगा, आपको कुछ पैसे देने होंगे, जैसे आपको गैस में सब्सिडीज दिया जाता है, आपको पैसे पे करने होते हैं, आपको पता है इतना पैसा पे करना होगा, कुछ पैसा वापस आएगा, मगर अगर पूरी तरह से अगर मुफ्त कर दोगे तो आदमी जो है ना उसका आदि हो जाता है कि मुफ्त खाने का, राशन हमें मुफ्त मिल ही रहा है, बिजली हमें मुफ्त मिल ही रहा है, पानी हमें मुफ्त मिल ही रहा है, बसों का किराया हमें मुफ्त मिल ही रहा है। भाई जब सब कुछ मुफ्त मिल रहा है तो क्यों काम करे, क्यों काम करे, ये भी तो सवाल आएगा ना, क्यों काम करे। अक्सर बहुत बार आपने सुना होगा कि यहाँ ये मुफ्त हो गया, ये इस पार्टी ने चुनाव में चुनावी जुमला कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब फ्री कर देंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बोझ बना रहा है, सरकार के ऊपर बोझ बना रहा है। और सरकार के ऊपर जो ये बोझ बन रहा है वो चीज याद रखिएगा, वो चीज याद रखिएगा, कहीं ना कहीं सीधा इसका असर गवर्नमेंट पे पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट इसी पे टिप्पणी करते हुए कहा कि ये चीज कहां तक जायज है, चलो ठीक है आप उन्हें मुफ्त दो, पर मुफ्त जो दे रहे हो उससे सरकारी बोझ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज श्रीलंका का जो हालत है, क्या इंडिया का भी कल अगर इस तरह हालत हो, नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक मजबूत केंद्र है, पर जिस तरह कुछ राज्य, ओनली कुछ राज्य, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टारगेटेड किया है कुछ स्टेट्स, पर्टिकुलर स्टेट्स को जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, यानी जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। आज आपको बता दें कि कुछ राज्यों की बात करें, आप देखो न्यूज में अक्सर सुनते होंगे, चाहे वो पंजाब की बात हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, डजंट मैटर, मैटर ये नहीं करता है, मैटर करता है कि जो श्रीलंका का हाल हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि सरकार श्रीलंका ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सब कुछ फ्री कर देंगे, ये फ्री वो फ्री, और इस कारण से सरकार को जिताने के चक्कर में सरकार फ्री का जो है घोषणा कर दिया और बाद में इतना डेप्ट हो गया, इतना डेप्ट हो गया कि कहीं ना कहीं पूरा देश कहीं ना कहीं दिवालिया घोषित हो गया। तो इस तरह के जो है जुमलेबाजी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा स्टेप उठाया, एक कड़े शब्दों में सरकार को कहा है कि ये क्या चल रहा है, ये आपके यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है, ये फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए, चलिए तो अगर हम बात करें इस न्यूज को थोड़ा कवर किया है, आप देख सकते हैं द हिंदू ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के मुद्दे जानकारी होनी चाहिए, क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है देश में, ये आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें इस न्यूज की, अगर हम बात करते हैं इस न्यूज की, अगर हम यहाँ पे बात करें, जरा समझिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान तर्कहीन फिब्रीज यानी मुफ्त उपहार वितरित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, क्या ये आप आर्थिक रूप से सही कर रहे हो, कि ये जो फ्री में दिए जा रहे हो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि कहां से आएगा, आप दिए जा रहे हो। बहुत सारे आपने देखा कि चुनावी पार्टी ने अपने चुनावी जुमलों के कारण बहुत फ्री लैपटॉप्स बंटवाए हैं, बहुत सारे आपने देखा साइकिल्स बंटवाए हैं, मोटरसाइकिल तक भी बंटवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो लैपटॉप्स बंटवाए हैं, स्मार्टफोन्स भी बंटवाए हैं,
फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बसेस कर रहे हैं, कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उन सभी पार्टीज की बात कर रहे हैं। तो इसका असर सीधा कहाँ पे पड़ता है? फंड पे पड़ता है। अब लोग कहेगा कि नहीं ये चीज होना चाहिए, भाई फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, मुफ्त का आदत बहुत खराब होता है। आप कुछ चार्जेस लो, हम कहते हैं कि मिनिमम चार्जेस लो, क्योंकि मुफ्त की आदत बहुत खराब होती है। आपने बड़े बड़े इतिहासकारों को पढ़ा है, बड़े बड़े साम्राज्य को डूबते और बनते देखा है, तो जहां पे अगर एक बार मुफ्त की आदत अगर लोगों को हो जाए तो लोग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब मुफ्त का खाना भी मिल रहा है, मुफ्त का पानी मिल रहा है, मुफ्त का राशन भी मिल रहा है, मुफ्त का घूमने का मिल रहा है, तो आप क्या चाहिए जीवन में ये बताओ ना। ये तो चाहिए, दो वक्त का खाना तो मिल रहा है, घूमना तो घूमने हो रहा है, बिजली हो ही रहा है, पानी हो ही रहा है, टैक्स होम टैक्स हाउस टैक्स फ्री हो ही रहा है, तो कुछ हो ही ना है। हम लोग और आप लोग सर्वाइव किया, बहुत सारे ऐसे लोग जो सर्वाइविंग लाइफ जीते हैं, मतलब सिर्फ जीते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो अगर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करें राजनीतिक दल लोगों को वोट को सुरक्षित करने के लिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि वो मुफ्त का बिजली पानी की आपूर्ति, बेरोजगारी, बेरोजगारों को दैनिक वेतन भोगी यानी भत्ता, कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि भाई हम आपको कुछ चार्जेस दे रहे हैं, कुछ जो है आपको कुछ, आप रोजगार नहीं करो तो हम आपको कुछ हर महीने का 2,000-4,000 आपके अकाउंट में डलवा देंगे। भाई अब वो नल्ला बैठा हुआ है तो आप 2,000 आप दोगे तो ऐसे में तो उसके मन में और आ जाएगा, चलो एक तरह से पॉजिटिव सेंस भी लेके चलते हैं कि चलो उनको नीड है कि वो अपना खर्चा के लिए उनको दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं 2000 में क्या चलने वाला है ये तो बताओ, क्लियर यहाँ पे। अब आगे की बात के पर, हाँ जब वो 2000 एक बहुत बड़े अमाउंट में दोगे बहुत सारे लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसका असर पूरा जो सरकारी खजाने से जाएगा। और तो और महिलाओं को भत्ता, जैसे कि आप देख सकते हो साथ 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 में गैजेट जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन, ये सब जो वादा करते हो क्या ये सही है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही है, ये सबसे बड़ा यहां सवाल है। राज्यों को कर्ज माफी, जैसे अक्सर आप सुने होंगे कि किसान का जो लोन है हमारी सरकार आ जाएगी, किसान के सारे लोन माफ हो जाएंगे, तो भाई किसान का लोन माफ हो जाएगा, चलो ठीक है, नो डाउट माफ हो जाएगा, किसानों का समझ में आता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी आप माफ कर देते हो कभी कभी, आप सुने कि चलो वो लोन नहीं दे रहा आप इतना ही तो और सेटलमेंट करो, ये कौन सा सही चीज है। या किसानों का भी अगर कर रहे हो तो हर किसान, कुछ किसान लायबल होते हैं लोन देने के लिए, बड़े बड़े किसान जो है, हाँ जो नीडी है, जो बहुत ज्यादा नीडी है, जो नहीं दे पा रहे उनका माफ करो, सिलेक्टेड, अब उसको कैसे, उसकी पहचान कैसे होगी, आप टीम बनाओ, आप समितियां बनाओ, ऐसे टारगेटेड किसानों को उठाओ जो रीजनेबल लायबल है। अगर ऐसा कोई है जिसके पास सर्वगुण सब कुछ है तो ऐसे किसानों को, मतलब जिसके पास मान लो जो करोड़ों का टर्नओवर जिसका है, अब उनको क्या सब्सिडी की जरूरत है, उनको क्या किस क्यों जो है मुफ्त लोन मुफ्त की जरूरत है, उनके लिए ये बेहतरीन होगा जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो जिसको उसकी जरूरत है। आप अक्सर सुनते होंगे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लिए, भाई ऐसे किसानों को टारगेट करो, उनको दो फ्री दो तो समझ में आता है, क्लियर यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तो राज्य में कर्ज माफी या मुफ्त बिजली या साइकिल या लैपटॉप, कहीं कहीं तो टीवी सेट भी दिया जाता है, तो ये जो आदत हो गई अब तो आदत से बन गई सारे चुनाव जो है कहीं ना कहीं पार्टियों का। और तो और फ्रीबीज की आवश्यकता क्यों होती है, तो लोगों का सबसे पहले कि क्यों आवश्यकता होती है, देखो आवश्यकता इसलिए होती है तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं, जैसे आप कोटा वोटा में जाते हो चावल लेने, अब यहां भी चावल दे रहे हो, अब एक घर में सरकारी नौकरी रखा हुआ है वो टैक्स पे कर रहा है और उसे भी अगर कोटा में चावल मिल रहा है यानी राशन कार्ड या लाल कार्ड पीला कार्ड सफेद कार्ड कोई कार्ड से अगर मिल रहा है तो ये तो जेन्युइन नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि वो तो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास अगर नहीं भी होता तो भी वो अच्छे से अफोर्ड कर सकता लाइफ, तो ये गलत है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा। और अभी आपने आए दिन देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने राशन कार्ड से नाम कटवा लिए, क्योंकि कुछ ऐसा खबर आया था कि जिसका राशन कार्ड अगर है और वो अगर इलीगल ले रहा है तो उससे जितना अभी तक वसूला गया सब वसूल जाएगा। तो इस तरह के कड़े स्टेप लेने होंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, स्टेप लेने होंगे, तब कहीं ना कहीं लोग के अंदर डर बैठेगा और लोग सही लोगों तक ये चीजें पहुंच पाएगी। रोजगार गारंटी दो, रोजगार का दो कि भाई हम देंगे, वादा करते हैं कि रोजगार देंगे 100% देंगे, इसका वादा करो, ये वादा तो होता नहीं है। आप फ्री की चीजें बांट रहे हो, भाई फ्री की चीजें कहां से ला रहे हो, हमारे और आपके पैसे से दे रहे हो ना, फ्री चीजें कहां से हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, यहां भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर हमें मोबाइल फोन मिला है, सर हमें लैपटॉप मिला है, भाई मिला है पर वो आप पूरे देश की तरफ से सोचो, ये कहीं ना कहीं जो चीजें हम बता रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, आपको फ्री में देना है शिक्षा, दोनों फ्री में शिक्षा, जो कि बेसिक चीज है, शिक्षा के लिए समर्थन दो, ठीक है कि आप जो है बेसिक शिक्षा फ्री कर दो, ठीक है, जो इतने हेवी चार्ज प्राइवेट स्कूल्स करते हैं उनको कहीं उनके ऊपर पाबंदी लगाओ, वो बोलो कि इतना चार्जेस ना ले, तो ये सब चीज करो जो कहीं ना कहीं जिससे देश का फ्यूचर हमारा ब्राइट हो, तो इन चीजों पर तो छूट मिल नहीं रहा है। विशेष रूप से महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य हो रहा है, जैसे अभी जैसे कोविड जैसा ये आया था, कोविड का प्रकोप आया था, ऐसे समय में आप स्वास्थ्य फ्री कर दो कि भाई अभी के समय जो भी इलाज करने आएगा उन सबका फ्री है, तो स्वास्थ्य में सब्सिडी दो या फिर स्वास्थ्य को फ्री करो, ये सब फ्री नहीं करेंगे कोई, क्योंकि इस पर तो पैसा लगेगा भाई, ये इंडिविजुअल है।
अगर स्वास्थ्य फ्री हो जाए, यकीन मानो कि देखो स्वास्थ्य फ्री हो जाए, पढ़ाई फ्री हो जाए, ये बेसिक नीड्स है जो, ठीक है, रोजगार दबा कर रोजगार, जैसे हमारे दादाजी लोग कहा करते थे कि हम लोग को सरकारी नौकरी पकड़ पकड़ ले जाता था, हम भाग जाते थे, सरकारी नौकरी नहीं करते थे। ऐसा ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों को पकड़ के, आए भाई आओ यार सरकारी नौकरी करो, ठीक है तुम्हें चलो सरकारी नौकरी दे रहे। आज के डेट में नौकरी तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब देखा जाए तो एक जॉब आता है, एग्जाम्स होते हैं, पेपर ही लीक हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं और इससे कितना सफर होता है एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो यहाँ पे फेब्रिज की आवश्यकता यहाँ पे है, पर उनको है। तो ये जो कुछ फैक्ट्स आपने देखा इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था यूपीएससी में, सरकार द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए। कब? जब राजकोषीय प्रोत्साहन देना होता है। राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे। राजकोषीय प्रोत्साहन यानी कि जब कहीं ना कहीं सरकार जनता के लिए कुछ देना चाह रही है, यानी जनता को कुछ दे रही है। राजकोषीय प्रोत्साहन मतलब यहाँ क्या, वो आपको कुछ देना चाह रही है। तो ये कौन सा फैक्ट यहाँ पे सही होगा? कर की दरों में कटौती, तो बिल्कुल ये राजकोषीय प्रोत्साहन एक होगा, क्योंकि मान लो अगर आप 1,00,000 रुपए कमा रहे थे और अगर आपको 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अब आपको कहा गया कि 1,00,000 में अब आपको मात्र 5,000 टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि अब आप सेव कितना करो, पहले सेव कर रहे थे 90,000, पहले 90,000 सेव कर रहे थे, अब यहां 95,000 सेव कर रहे हो, यानी एक तरफ से राजकोषीय प्रोत्साहन सभी को दिया गया ना। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब एलिमिनेट करना सीखो कि हमें पता है पहला सही है, तो पहला सही है तो मतलब बी तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। देखो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। एलिमिनेट मेथड हम हमेशा सिखाते हैं, 6 बजे वाले क्लास में आइएगा, जब भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको एलिमिनेट करके कैसे बनाया जाए ये तरीका हम आपको वहां बताते हैं। दूसरा है सरकारी खर्च में वृद्धि। अब देखो सरकारी खर्च अगर वृद्धि करेगा, यानी जो सरकारी खर्च, यानी मान लो सरकारी खर्च पहले 1,00,000 रुपए किया जा रहा था, अब क्या है कि अब कहा गया कि सरकारी खर्च हम बढ़ा दिए, हम 2,00,000 कर दिए, तो ये 1,00,000 जो कर रहे थे ये तो जनता के पास ही तो जा रहा था, ये पैसा तो जनता के पास ही जा रहा है ना। तो अब 1,00,000 की जगह आप 2,00,000 जा रहा, मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों के पास पैसा जा रहा, सरकारी खर्च आ रहा, यानी ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा, वहां ज्यादा मजदूर आ रहे हैं, तो भारतीय लोगों को ही तो फायदा हो रहा है। तो बिल्कुल ये भी हमारा राजकोषीय प्रोत्साहन ही होगा, यानी दूसरा भी सही है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा सही की बात करें तो यहाँ पे दूसरा नहीं लिखा हुआ, यानी यहाँ से पहला है तो ये नहीं, सॉरी ये तो लिखा हुआ, ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी अब हमारा ए और डी में राइट आंसर। अब तीसरा देखते हैं, आर्थिक मंदी के संदर्भ में सब्सिडी को समाप्त करना। अब सब्सिडी यानी कि अगर हम बात करते हैं, पहले मान लो 100 रुपए के सामान थे, ठीक है 100 का सामान था, सरकार ने कहा 20 रुपए की सब्सिडी हम दे देंगे, मतलब आपको पे कितना करना पड़ रहा है 80 रुपया। अब कहा गया कि अब हम सब्सिडी खत्म कर देंगे, यानी अब आपको 100 में 100 देना पड़ेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहां तो राजकोषीय प्रोत्साहन नहीं हो रहा, यहां तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, स्टेटमेंट गलत, यानी राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। आई होप यहां पे जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो सब सही है, बाकी सभी लोग गलत है। फिर से एक बार बताते हैं, एग्जामपुर मेन चैनल में जितने लोग देख रहे हैं, ये क्लास मात्र 3 दिनों के लिए होगी। अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए, यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर सर्च कीजिए, या फिर चैनल टैब में जाइए, चैनल टैब में जाइएगा तो 4th या 5th कॉलम में आपको दिखेगा यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी फ्री क्लासेस आपको वहीं मिलेगी। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस से संबंधित सारी क्लासेस अब आपको वहीं देखने को मिलेगी। चलिए, और अगर आप चाहते हो कि सर करंट अफेयर जितने बेहतरीन तरीके से हो रही है उसी तरह से बेहतरीन तरीके के क्विज भी हमको करना है, 6:00 बजे वाली क्लास आइए। एक बार आप उस क्लास को आइए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 100% में से 50% तो जरूर आएगा आपके अंदर। चलिए, तो इस सवाल को आपने देखा, अब अगला न्यूज जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, तो अगर हम अगला न्यूज की बात करते हैं, हाल ही में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि मानव वन जीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अब देखो लोकसभा में ये स्टेटमेंट आया और देख सकते हो, जैसे ये स्टेटमेंट आया इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल ने इसे पब्लिश किया, हमने भी इसे लिखा है, टेलिंग नंबर्स टोल ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जानवरों ने इंसानों पर हमला कर दिया या इंसानों ने जानवरों पर हमला कर दिया, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, हो सकता है कि कोई मारा गया होगा। अब अपना सेल्फ डिफेंस के चक्कर में तो आप मार सकते हो भाई, आप अपने आत्मरक्षा के लिए मार सकते हो अगर कोई जानवर आप पर हमला कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इस तेंदुए ने इन सब के ऊपर हमला किया, तो अब यहाँ पे कोई बंदा अपनी रक्षा के लिए हो सकता है तलवार से सर कलम कर दे, या यहां पे भी आप देख सकते हो कुछ जानवरों ने यहां पे हमला किया। तो अक्सर इन मेन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप सुनते आ रहे हो। अब ये मैन कॉन्फ्लिक्ट वुमेन मैन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट तो वो बाहर चलता है, सॉरी गलती से बोल दिया, ठीक है। तो मैन और एनिमल की बात करें ना, वुमेन मैन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट तो हर घर में होता है, होता ही नहीं होता, ठीक है। पुरुष और महिला विवाद की बात करें, ये तो हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। खैर चलिए, तो अगर हम यहां पे बात करें, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम
तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें इस फैक्ट की, तो इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, तो प्राकृतिक वास का नुकसान हो रहा है। आप दिन ब दिन जंगल काटते जा रहे हो, तो जंगलों की कमी हो रही है, तो जंगल कटेगा तो जंगल के जानवर कहाँ आएंगे? शहरों में आएंगे, गाँव में आएंगे, और इस तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि हो रही है, यानी आप देखो हमारे अंदर मैनर्स है, हम दो हमारे दो बाकी को रहने दो, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम और आप जैसे जो साक्षर लोग हैं, और शायद यही कारण है कि अब जो है बर्थ रेशियो कहने के कम हो चुका है। मगर जानवरों में ऐसा नहीं है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, जानवरों में है जो आता है आने दो, जानवरों में ये कॉन्सेप्ट है जो आता है आने दो, और हमारे अंदर है हम दो हमारे दो, क्लियर है यहाँ पे। इसी कारण है कि जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन जब जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ये आबादी तो कहाँ अब एग्जिस्ट करेगा? जंगल कम हो रहे, जानवर बढ़ रहे, तो ये भी एक चिंता का विषय है। जंगली जानवरों को खेत की ओर आकर्षित करने वाले फसल में उपयोग होने वाले पैटर्न, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जंगली जानवर है, जैसे अगर हम बात करते हैं जस्ट लाइक अगर हम बात करें शाकाहारी, जैसे हाथी वाथी अगर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं खाने की तलाश में अब जंगलों से खेतों की ओर आ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं जो भी आप क्रॉप्स लगा रहे हो, जैसे गन्ना की खेती लगा रहे हो, तो वो हाथियों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इससे क्या होगा, वो गांव होके आते हैं, गांव को उजाड़ते हुए दो चार घर को कुचल के दो चार आदमियों को मारते हुए वो खेतों में गए, गन्ने वन्ने फसल खराब की और निकल दिए, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वन क्षेत्र से जंगली जानवरों का भोजन और चारे के लिए मानव प्रधान भूभागों में आ जाना, तो ये फैक्ट भी हमने आपको भी बता दिया, इसी से संबंधित है। वनोपज के अवैध संग्रहण के लिए मनुष्यों का वनों की ओर आना जाना, जैसे आप बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कुछ वन यानी कि जंगली जंगल के कुछ ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट्स के लिए आप आए दिन जंगलों में आपका आना जाना है। अब जंगलों में आना जाना, बीच में किसी दिन एक दिन शेर मिल गया और भाई क्या हाल है, कुछ नहीं बस आए थे देखने जंगल, तो आओ जरा हमसे भी थोड़ा मिल लो, नहीं अभी रहने दो, अब इतना वार्तालाप करने का फुर्सत कहाँ होगा टाइगर के साथ। टाइगर कहेगा बड़ा सुन रहे तुम लोग, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर बनाए जा रहे हो, कभी आओ मिलो हमारे से, हम भी असली टाइगर है, तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप ही जान रहे हो। अब आप ट्रिपल आर के तो NTR हो नहीं जो आप टाइगर्स को भी बस में कर लोगे, चलिए तो आप उनके पेट के लिए एक दावत बन सकते हो। अगला है आक्रामक विदेशी प्रजातियां आदि वृद्धि के कारण आवास का क्षरण, आए दिन आप अक्सर देखते हो बहुत सारी विदेशी प्रजातियां यहाँ पे आ रही है जिस कारण ये इसका छक देखने को मिल रहा है। अब जान गंवाने की अगर हम बात करते हैं, जानवर और इंसान दोनों को ही यहाँ पे चोट लगता है अगर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे अगर कोई भी दो लोग लड़ रहे हैं, अगर चाहे वो पुरुष और महिला हो, चाहे वो बच्चे बच्चे हो या जानवर और इंसान, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में चोट तो दोनों को लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हाँ, इसमें जो और एक्स्ट्रा नुकसान होता है, किसानों के फसल नुकसान होते हैं, कहीं ना कहीं बात करें उनकी कृषि योग्य भूमि का नुकसान होता है। जानवरों की अगर हम बात करें, जानवरों की बात करें यहाँ पे, तो उनके खिलाफ हिंसा में वृद्धि होती है, जैसे जो मांसाहारी जानवर है जस्ट लाइक अगर हम राइनो की बात करें उनके, या हाथियों के दांत की बात करें, या कुछ जानवरों की चमड़ी की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे जो हंटर्स है शिकारी उनका शिकार करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में या फिर इलीगल तरीके से वो बेचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये रीजन रहा है यहाँ पे। अब आइए जरा कुछ डेटा पे फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। 2018-19 और 2020-21 के बीच देश भर में बिजली के करंट के कारण 222 हाथियों की मौत हो गई, तो ये आप एक डेटा देख सकते हो। इसके अलावा देख सकते हो कि 2019 से 2021 के बीच अवैध शिकार के कारण 29 बाघ मारे गए, जबकि 197 बाघ का मौत कैसे हुआ है ये अभी भी जांच का विषय है। आगे की बात करते हैं, जानवरों के साथ मानव के संघर्ष के दौरान हाथियों ने 3 वर्षों में 1579 लोगों को मारा, यानी कि इंसानों की मौत की संख्या ज्यादा है, हाथियों ने इंसानों को ज्यादा मारा। आप तो अक्सर सुनते होंगे न्यूज में कि एक झुंड आया हाथियों का और मारा गया, पर हाँ वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा सरकारी डेटा है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब? जब मीन्स का ऑप्शन लिखोगे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तब, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आएगा, वन लाइनर में कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। वन डे या वन लाइनर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड मिल सकता है। आगे की बात करें, 585 2020-19 में 585 लोगों को मारा गया, 2020-21 में 461 और 21-22 में अभी तक आप देख सकते हो में 533 लोग जो है मारे जा चुके हैं, जिनमें अगर हम बात करें 332 मनुष्यों को मौत के साथ ओडिशा सबसे ऊपर है, यानी ओडिशा में सबसे ज्यादा ये जो है हादसा हुआ है, यानी 332 के साथ। इसके बाद अगर हम बात 291 के साथ झारखंड और 240 के साथ पश्चिम बंगाल, यानी अगर हम बात करें ये वो एरिया है जहां ट्राइब्स एरिया सबसे ज्यादा है, और ट्राइब्स यानी कि अगर हम बात करें जंगलों में रहने वाले लोग वहां पे ज्यादा मिलेंगे, और जिस कारण से जो भी अगर हाथियों का झुंड आता है वो कहने के छोटे छोटे गांव होते हैं, तो उन गांव में घुस के बहुत सारे लोग जो अकेले अगर मिले तो भाई अकेले पाया जाएगा तो फिर तो उनका खैर नहीं है, ठीक है।
तो ये कुछ डेटा थे जो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगला न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत देश भर में 75 समुद्री तट को 75 दिन में साफ करने का अभियान शुरू किया है। बहुत ही अच्छा स्टेप है। इस न्यूज को कवर किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। इंडिया अंडरटेक्स अ मैसिव 75 डेज कैंपेन टू क्लीन अप 75 बीचेस। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत अच्छा कवरेज है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कि सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें क्या है जरा देखेंगे। अक्सर जब आप बीचेस जाते हो, बीचेस मतलब क्या, समुद्री किनारे, तो जाते हो क्यों, थोड़े से मतलब रोमांटिक मूड में जाते हो, या अपने दिन भर के थकान को मिटाने जाते हो, या कहीं ना कहीं इंटरटेन होने जाते हो। अब इंटरटेन का मतलब ये नहीं कि नजारा देखते रहो इधर उधर, मतलब इंटरटेन मतलब कि प्राकृतिक की सौंदर्यता को देखने जाते हो। ऐसे सिचुएशन में अब जब आप सी बीच गए और इस तरह का माहौल अगर आपको दिखेगा, चारों तरफ कचरा कचरा फैला हुआ है, तो यकीन मानो कि भरोसा उड़ जाएगा, कहेगा यार कहीं सुकून ही नहीं है, इंसान को कहीं सुकून ही नहीं है। अब उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इन बीचेस का देखरेख करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इन लोगों के अंदर ये जागरूकता लाना कि भाई ये नेचर जो आपको ये एसेट्स दिया है, प्रकृति जो आपको संपत्ति दी है, इसको संभाल के रखो, इसको स्वच्छ रखो, ऐसे साफ रखो कि ताकि कोई अगर आए तो देखे तो उसे लगे कि यार भारत का जो बीचेस है वो इतना खूबसूरत है। आप आते हो बीचेस में, वहां बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट खाने देते, आप खाए वहीं पे, झाल मोड़ी खाए और बस मोड़े और फेंक दिए, आप वहीं जलेबी खाए मोड़े और वहीं फेंक दिए, आप बोतल पानी उठाए कोल्ड ड्रिंक पिए और उठा के फेंक दिए, भाई वो फेंक तो दिए, क्या आपका एक ह्यूमन बिहेवियर भी तो मैनर्स के नाम का भी चीज है, आप उसे डस्टबिन में डालो, वो तो कहीं ना कहीं आपका हमारा सबका एसेट्स है। तो एक अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सर यहां से एक सवाल बिल्कुल बनने की संभावना 100% होती है। जरा देखेंगे ये क्या सवाल कहता है। इस सवाल की बात करते हैं, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का मोटो क्या है? तो 75 दिन में 75 बीचेस को साफ करना, या 75 दिन में 75 बीचेस को साफ करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा इनिशिएटिव उठाया जा रहा है? तो एक सिंगल लैंग्वेज क्वेश्चन ये आएगा, तो वो उठाया जा रहा है स्वच्छ सागर स्वच्छ सुरक्षित सागर का, और दुनिया भर में ये अपनी तरह का पहला और सबसे लंबा चलने वाला तटीय सफाई अभियान होगा। तो ये भी अपने आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला तटीय, यानी तट मतलब कोस्टल एरियाज, सफाई करने वाला अभियान कौन सा है? तो भाई कौन सा है, तो आपके आंखों के सामने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान है। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यहां पे बन रहे हैं। इसके अलावा जिसमें सबसे अधिक संख्या लोग भाग लेंगे, लोगों का मेन मोटो है कि इनके अंदर जो है जागरूकता फैलाना, और ये पूरी तरह से ये जो अभियान है 17 दिसंबर 2022 पर ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहां से एक और सवाल, यानी आपके आने वाले 17 तारीख को फिर से देखने वाले आप, 17 तारीख को सेम आर्टिकल रिलीज होगा, और इस तरह से कि 17 सितंबर 2022 75 तटीय क्षेत्रों को साफ किया गया सरकार के एक अभियान द्वारा, जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। इस तरह का एक हेडलाइन आएगा, और इसी तरह फिर से हम आपको पढ़ाएंगे, या तो द हिंदू का आर्टिकल होगा, या टाइम्स ऑफ इंडिया, या इंडियन एक्सप्रेस का, या पीआईबी का आर्टिकल होगा। मतलब इस न्यूज को हम फिर से एक बार देखने वाले, क्योंकि एक फ्यूचर न्यूज है। आगे की बात करें, अभियान का समापन अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के दिन होगा, और यह अंतरराष्ट्रीय जो है तटीय सफाई दिवस 17 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो बोले सर ये फिर कब मनाया जाता है, तो सितंबर के तीसरे शनिवार को। अगर हम बात करें एक सप्ताह में लगभग 4 मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें 5 शनिवार, 4 या 5 ही आ सकते हैं ना, क्योंकि देखो 7 चौके 28, 7 4 28, यानी फिर भी 2 दिन हमारे बच गए। तो मान लो शनिवार ही अगर वो 2 दिन में आ गया, तो 5 हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम तो 4 होगा। तो याद रखिएगा कि मिनिमम 4 या मैक्सिमम 5 होते हैं। तो सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को हम मनाते क्या है, तो सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, और इस बार 17 सितंबर को मन रहा है, और यही यहां पे हमने यहां पे मेंशन किया है। इस दिवस का उद्देश्य है महासागर समुद्र तटों में कूड़े संचय का जो भी है प्रभाव, इसको खत्म करना। तो कहीं ना कहीं इस दिन हम एक ग्लोबली हम दिखाएंगे कि हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था 75 दिन में 75 कोस्ट को साफ करने का, तो वर्ल्ड लेवल एक रिकॉर्ड भी बन सकता है, हो सकता है एक वर्ल्ड लेवल रिकॉर्ड भी आपको इस दिन देखने को मिल जाए। यानी एक जबरदस्त न्यूज आपको आने वाले सितंबर में मिलने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल यहां तक आपने देखा। अब
इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधि स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों को पंजीकरण हेतु एक मोबाइल ऐप भी चालू किया गया है जिसका नाम है इको मित्रम लॉन्च किया गया है। तो एक सवाल आएगा कि आपका एक सवाल आएगा यहाँ पे कि ये बताइए कि अभी हाल ही में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत जो है कोस्टल एरियाज को साफ करने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया, उस ऐप का नाम क्या है? इको मित्रम नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इको मित्रम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बताएंगे कि यहां तक कैसा लगा, ये आज का हमारा सेशन था। बाकी लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उनमें बहुत सारे ब्लेसिंग और बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स आए थे, उन सभी को थैंक्स, क्योंकि हम वहां तो थैंक्स नहीं बोल पाते, इसलिए हमें लगा एक सही मंच है कि ताकि सभी लोगों को लगे। अगर आपको भी ये क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे जो अपना थैंक्स लिख सकते हो। और अगर जितने लोग मेन चैनल में देख रहे हो वो सभी लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद चैनल टैब में जाइए, यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना क्लास वहीं पे होगी 7 बजे से सोमवार से लेकर शुक्रवार। आपको मात्र 3 दिनों के लिए ही मेन चैनल पे आपको क्लासेस का एक्सेस दिया गया है, इसके अलावा फिर सारी क्लासेस आपको वहां मिलेगी और पूरी टीम हमारी वहां क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये कुछ लोग के नाम है, जैसे आप देख सकते हैं ऋषु सेंगर, नाइस सेशन, अभय मिश्रा, पूनम गौतम, आकांक्षा वर्मा, डिम्पल राजपूत, उत्कृष्ट गर्ल। तो ये कुछ लोगों के जो ये थे कमेंट से जिन्होंने कहा कि सर क्लासेस बहुत अच्छी थी। आपको भी अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आपके बारे में हम जरूर नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि आपने जो कमेंट किया। तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और आप बात हुई ऐप पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जाना है। एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जब जाओगे तो आपको फ्री कोर्सेस को क्लिक करना है। फ्री कोर्सेस क्लिक करने के साथ ही आपके पास आएगा यूपीपीसीएस 2022-23। इस टैब को जब ओपन करोगे तो आपको अलग से आएगा करंट अफेयर बाय राजीव सर। यहां पे जब इसे क्लिक करोगे तो यहां जुलाई अगस्त इस तरह का टैब बना है, यहां पे आप क्लिक करके आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका। साथ ही साथ ये पूरे टाइम टेबल है जो कि यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर में चलेगा। सुबह 7 से 9 हमारा क्लास है, करंट अफेयर का क्लास चलता है, तो बेहतरीन तरीके से आपने देखा करंट अफेयर। इसके अलावा जो है आरुषि मैम, अंकित सर, सुयास सर, पुलकित सर, योगेश सर, नितिन सर, दीपक सर, ज्ञान सर, अमृता मैम, अभिषेक सर और अमित पांडे सर की क्लास यहां पे इसके बाद चलती है। जबरदस्त फ्री क्लासेस आप सभी के लिए। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको ये क्लासेस करवाया जा रहा है। और अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है, आपको लाइव टेस्ट जैसी फैसिलिटी है और भी बहुत सारी सुविधा आपको यहाँ पे दी गई है। क्लास खत्म होने के बाद जो है आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, आज का क्लास कैसा रहा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं उन सबको थैंक्स। ठीक है, और लगभग 98 लोगों ने लाइक भी किया सेशन को। ठीक है, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े थैंक्स टू ऑल, और कमेंट बॉक्स पे बताइएगा सेशन कैसा रहा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। पूनम गौतम, वंदना यादव, प्रतीक्षा, राजेश मिश्रा, सर करंट अफेयर की पीडीएफ ऐप पर नहीं है, प्लीज रिप्लाई मी। राजेश मिश्रा, एक बार आपको हमने वो प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस पे जाइए और देखिए, सारे न्यूज आपको मिलेंगे, सिर्फ अगस्त का नहीं, जुलाई का भी आपको मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर अगर आपको क्विज करना है तो शाम की क्लास आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर में जरूर जुड़िएगा, वहां हम शाम को इस सारे करंट अफेयर के ऊपर क्विज करने वाले हैं। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो आपने क्विज पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, उसके ऊपर क्विज भी आप कर सकते हो आराम से, जो है वहां पर आपको आसानी होगी। चलिए, ठीक है। तो अमन, पूजा, शैलजा, कंचन, आयुष, रिया, सैगिल एंड मिनी मोर, जितने लोग हैं बाकी सबका नाम तो नहीं दिख रहा है, जिस जिसका नाम सामने दिखा उन सबको थैंक्स, और बाकी जिसका नहीं दिख रहा उनको भी थैंक्स। तो आज हम इतने ही रखते हैं, अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देते हैं, फिर हम मिलेंगे दूसरे क्लासेस में। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा सेशन आज का कैसा लगा। तो